तो जो आपका एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का नया सिलेबस आया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य में हम लोग बात कर चुके हैं। अभी तक क्लासों में मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं भी देख चुके थे, प्रमुख राजवंश भी देख चुके हैं, और उसी क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी एक ही क्लास में स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है इस पर भी हम लोग बात कर चुके थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं हो गई, स्थापत कला हो गई, और मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हो गई, इनसे संबंधित जनजातियां हो गई। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों को देखा था और उनकी कृतियाँ जो भी रचनाएँ हैं उस पर भी हम लोगों ने बात की हुई थी। और आज हम लोग बात करेंगे अब इस क्लास में किस पे, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इसमें आपके जैसे पर्यटन नीतियाँ हो गई, सरकार की इस क्षेत्र में क्या प्रयास रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पर्यटन क्षेत्र एक हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान भी देता है, समझ रहे हैं आप लोग। किले कहाँ हैं, महलों के बारे में बात करेंगे, प्रमुख मेले कहाँ लगते हैं उस पर भी बात करेंगे, धार्मिक स्थल कहाँ कहाँ हैं, गुफाएं देखेंगे, सैलाशेरों के बारे में जानेंगे, समाधियां बनाई गई जो मकबरे बनाए गए उन पर भी बात करेंगे, जलप्रपात, समझ रहे हैं, टूरिज्म जहां भी इको टूरिज्म है उस पर भी बात करेंगे, प्रमुख मेले कहां कहां लगते हैं, ठीक है। तो ये सभी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। और याद रखिए इससे जो भी आपकी क्लासें ली जा रही हैं अभी ये सभी MPPSC न्यू सिलेबस STD मटेरियल के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसी में डली हुई है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और याद रखिए अगर इस बुक्स में है तो बहुत आप देख रहे हैं गलतियाँ हैं, लेकिन आसपास अगर मिलती हो तो आप लोग खरीद सकते हैं, इस बुक्स को भी आप लोग खरीद लीजिए। विस्तार से लिखा गया और MPPSC मेंस के मुख्य परीक्षा के हिसाब से इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। और याद रखिए ऐसा नहीं कि केवल MPPSC के लिए ही रहेगा, आप समझिए कि जो भी इतिहास की घटनाएं मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस जहां भी आपके जिस भी परीक्षा में आते हों उन सभी के लिए आपकी क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें मध्य प्रदेश में पर्यटन संबंधी नीतियों के बारे में। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रथम पर्यटन नीति आपकी 1995 में आई और इको एवं एडवेंचर पर्यटन नीति सन 2000 में आई थी, हेरिटेज पर्यटन नीति सन 2002 में, नवीन पर्यटन नीति 2010 में, वर्तमान पर्यटन नीति ये 2016 में, मार्ग सुविधा केंद्र नीति 2017 में, जल पर्यटन नीति 2017 में। क्या है कि इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ ले आपसे, पूछ सकता है अगर। और याद रखिए अगर कहीं गलती होती है और मुझसे भी गलती हो जाती है तो आप लोग नीचे सुधार के लिख दिया करिएगा उसे, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग बहुत गलतियाँ पाई जा रही हैं इसमें। लेकिन आप में से ही किसी ने इस बुक्स का नाम बताया था कि इस मुकेश महेश्वरी की कोई बुक्स निकली हुई है, तो मैंने खरीद कर ले आया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इतनी भी गलतियां भी होंगी इसमें, तो आप लोग ही भी सजेशन देते हैं, ठीक है। और भी अगर कोई बुक्स की कमी हुआ करे बता दिया करेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको कोई भी स्टडी मटेरियल की कमी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा है M.लक्ष्मीकांत हो या पॉलिटी की और भी बुक्स हो या पूरी NCERT हो, सभी कुछ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा चुका हूँ, ठीक है। और मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना ही कि आप लोगों के एक मतलब आप समझिए स्टडी मटेरियल की भरमार रहना चाहिए, ठीक है। तो राज्य पर्यटन विकास के निगम के बारे में बात करें हम लोग, तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके उद्देश्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्रों का विकास करना और पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश में इको पर्यटन बोर्ड की बात करें तो मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड एक स्वशासी संस्था है जिसका गठन 12 जुलाई सन 2005 को मध्य प्रदेश सोसाइटी एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया था। बोर्ड द्वारा 99 मनोरंजन क्षेत्र और 13 वन्यजीव प्राणी क्षेत्र सहित 144 क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं, ठीक है। ये बदलते रहेंगे, इसीलिए तो बोलता हूँ कि कम से कम करंट अफेयर्स से जुड़े रहा करिए आप लोग, जो भी घटनाएं घटती हैं उसके बारे में मालूम तो रहे आप लोगों को। उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, तो मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन 22 फरवरी सन 2017 को हुआ था और राज्य पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत संचालित पर्यटन संवर्धन इकाई पब्लिसिटी योजना एवं साहसिक व जल पर्यटन अब मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा की जा रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पारिस्थितिकी पर्यटन इको टूरिज्म की बात करें तो पर्यावरण चेतना
और पर्यावरण शिक्षा पर आधारित इको टूरिज्म सोसाइटी ने इको टूरिज्म के तहत सम्मिलित किया है और प्राकृतिक सौंदर्य से संबद्ध स्थलों की सैर, प्रकृति के साथ आदर्श व्यवहार करना, पर्यावरण चेतना, स्थानीय संसाधनों और संस्कृति के संरक्षण के लिए आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन सहित स्थानीय लोगों में को सशक्तिकरण, स्थानीय संस्कृति और परंपरागत ज्ञान की सुरक्षा और मनुष्य प्रकृति के संबंधों को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की अगर हम बात करें तो पर्यटन नीति के अंतर्गत जिलों में वीकेंड एवं स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक एवं पर्यटन उत्सवों के आयोजन तथा निजी निवेश से स्थानीय स्तर पर पर्यटन स्थलों के विकास एवं संचालन के लिए प्रदेश के सभी 52 जिलों में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला संवर्धन परिषद गठित की गई है। और भी आप देखिए नए जिले बनेंगे तो वहाँ भी होगी इस तरह की, क्योंकि जिले आजकल बनते रहते हैं। पर्यटन नीति 2016 को भी देख लीजिए आप लोग। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन नीति 2016 तैयार कर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 के अवसर पर जारी की गई। इसमें 2018 में संशोधन भी किया गया। यह 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी और निजी क्षेत्र की भागीदारी से पर्यटन विकास का मुख्य फोकस है और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु लैंड बैंक बनाया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उद्योग ही तो है जिससे हमें फायदा हो रही है, इनकम हो रही है, ठीक है। पर्यटन नीति 2016 में अगर संशोधन की बात करें तो इसका उद्देश्य नीति को निवेश के लिए अधिक प्रभावी और व्यवहारिक एवं उपयोगी बनाना, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड यात्रियों की सुविधाओं के लिए मार्ग पर विभिन्न सुविधा सेवाओं का के निर्माण को प्रोत्साहित करना और पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार, पर्यटन स्थलों को वायु मार्ग से जोड़ा जाए जिससे विदेशी कोई भी लोग एक शहर से दूसरे शहर आ सकें, धरोहर होटल्स एवं आकर्षक साइट्स को विवाह स्थलों के रूप में प्रोत्साहित करना, वन क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन तथा पर्यटकों के बेहतर मेडिकल सुविधा भी देना। आप समझ सकते हैं कि जहां बेहतर सुविधा होगी, एक तरह से सुरक्षा होगी, वहां लोग अधिक घूमने के लिए जाएंगे। जल पर्यटन नीति की अगर बात करें सन 2017 की, तो प्रदेश में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 28 फरवरी सन 2017 को प्रदेश के जल क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों हेतु निजी क्षेत्र को लाइसेंस देने की नीति लागू की है और प्रदेश में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन गतिविधियों हेतु प्रदेश के लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 22 बांधों एवं जलाशयों को अधिसूचित किया गया है। आपने देखा होगा प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, निजीकरण की बात करते हैं। देखिए इससे एक तो फायदा होता है कि एक तरह से सुविधाएं अच्छी हो जाती हैं, लेकिन आप ये देखिए कि निजीकरण हर क्षेत्र का कर देना, उसके लिए अभी हम लोग एक तरह से उसके लायक नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हर कोई उस सेवा को खरीदने की हैसियत नहीं रखता है एक तरह से। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, मध्य प्रदेश में भी पहले आप लोग देखते थे कि सरकारी बसें चलती थी और आपने देखा होगा कि सरकारी बसें बेहतर सुविधा नहीं देती हैं, टाइम का कोई मैनेजमेंट का कोई वहाँ बहुत ख़राब रहती है एक तरह से। और आप समझिए जो प्राइवेट बस होती है उसमें टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहता है और सुविधाएँ रहती हैं, लेकिन आप किराया देखते होंगे कि जो प्राइवेट बसें हैं उनका किराया अधिक होता है। तो आप समझिए हर क्षेत्र को प्राइवेट कर देना या निजी हाथों में दे देना ये अच्छी बात भी नहीं है, या तो फिर वहाँ की जनता को उस लायक होना चाहिए, समझ रहे हैं, कि सभी उस सुविधा का लाभ उठा पाएँ या खरीदने की क्षमता रखते हों। मार्ग सुविधा केंद्र नीति 2017 की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसकी अपनी मार्ग सुविधा केंद्र नीति है। पर्यटकों को यात्रा के दौरान अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मार्ग सुविधा नीति मई 2016 में लागू की गई थी। इस नीति के अंतर्गत निजी निवेश के माध्यम से योजना बनाकर पूरे प्रदेश में 300 से अधिक मार्ग सुविधा केंद्रों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है और ब्राउन फील्ड मॉडल इसके तहत आप देखेंगे 52 नए मार्ग सुविधा केंद्र तैयार किए गए हैं, जिसमें से निजी निवेशकों को 31 का आवंटन किया गया और इसमें से 17 मार्ग सुविधा केंद्रों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। यानी कि काफ़ी पर्यटन के क्षेत्र में ध्यान दे रहा है मध्य प्रदेश की सरकार, कहिए आप लोग मध्य प्रदेश कह लीजिए। मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल तो कुल पर्यटन स्थल पर्यटन विकास निगम द्वारा चिन्हित 382 हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल की बात करें 20 हैं और सर्वाधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में आप खजुराहो को टॉप पर पाते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन स्थल विकास योजना में मध्य प्रदेश के स्थान 17 हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश का स्थान 17वां है। फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय पर्यटन सम्मान 2018-19 भी मिला था।
तो मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 5 वर्ष प्राप्त हुए हैं, और पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2017 में पर्यटन को 10 मध्य प्रदेश को 10 पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें हॉल ऑफ फेम अवार्ड भी है। यह अवार्ड पहली बार ऐसे राज्य को दिया गया है जिसमें 3 लगातार वर्षों में श्रेष्ठ पर्यटन राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रकाशित ट्रॉफी टेबल बुक और संघस्थ ब्रोशर को प्रकाशन में श्रेष्ठता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ विरासत संपत्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार देवबाग ग्वालियर को मिला था। ठीक है, निजी क्षेत्र को आवंटित 7 हेरिटेज संपत्तियां हैं, तो इसमें क्योटो फोर्ट रीवा को, रॉयल होटल जबलपुर, विजय राघवगढ़ फोर्ट कटनी, शिवपुर फोर्ट शिवपुर और नरवर फोर्ट शिवपुरी, लोनेरा की सरायमंडू में है, बलदेवगढ़ फोर्ट टीकमगढ़ में। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन के अधीन हेरिटेज संपत्तियों की बात करें तो महेंद्र भवन पन्ना, मोती महल ग्वालियर, अजयगढ़ रेस्ट हाउस पन्ना में। यहाँ आपके 4 इको पर्यटन क्षेत्र भी हैं, इन्हें भी आप लोग याद रखिए, पचमढ़ी, होशंगाबाद, जैव विविधता वन विहार भोपाल, राष्ट्रीय जो उद्यान है सांची स्तूप रायसेन में, आदिम संस्कृति स्थल भीमबेटका और भोपाल की झील, ये काफ़ी आप देखते हैं कि यहाँ आप लोग घूमने भी जाते होंगे। रीवा क्षेत्र की बात करूँ तो चचाई प्रपात। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ओरछा ऐतिहासिक स्थल, माधा राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी, खजुराहो। जबलपुर क्षेत्र की बात करें तो कान्हा जीवाश्म उद्यान, नर्मदा भेड़ाघाट, अमरकंटक, बांधवगढ़ उद्यान। इंदौर क्षेत्र की बात करें तो महेश्वर खरगोन अभ्यारण्य, मांडू और झाबुआ इसके अंतर्गत। 5 पर्यटन निवेश जोन भी हैं। पर्यटन विभाग ने निवेश क्षेत्रों एवं गतिविधियों का चिन्हीकरण पूरे प्रदेश में 5 पर्यटन क्षेत्रों में बांटा है, भोपाल क्षेत्र, ग्वालियर क्षेत्र, जबलपुर क्षेत्र, खजुराहो क्षेत्र, इंदौर क्षेत्र। मध्य प्रदेश में ट्रैवल मार्ट 2016 में भोपाल में आयोजित हुआ था, और इसका उद्देश्य था ट्रैवल एजेंटों को मध्य प्रदेश पर्यटन से जोड़ना। FCI, भारत सरकार ने खजुराहो को FCI की स्वीकृति दी है। गेस्ट ट्रेनिंग सेंटर, जबलपुर, रीवा, इंदौर में गेस्ट ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित है। पर्यटन कैबिनेट 2016 में गठित करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर्यटन में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रथम मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन भी किया गया है। तो मध्य प्रदेश समझ रहे हैं, देखिए 2018 में आए पर्यटक हैं, आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जितनी जनसंख्या है लगभग उतने ही लोग घूमने आए, और भारतीय पर्यटकों की बात करें तो 6.9, और इस समय विदेशी आपके देख सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल देख लीजिए आप लोग, चंदेरी हो गया, खजुराहो हो गया, चित्रकूट, ब्राइट टाइगर सफारी, अमरकंटक, भेड़ाघाट, पचमढ़ी, सांची, भीमबेटका, भोपाल, महाकालेश्वर, मांडू, महेश्वर, ओंकारेश्वर। ठीक है, इन्हें भी याद, थोड़ी मतलब सामान्य जानकारी याद रखिए। पर्यटन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में, तो ये स्थल हो गए, इनकी अवस्थिति हो गई, और प्रसिद्ध किस लिए प्रसिद्ध हैं इस बात में, जैसे महाकालेश्वर मंदिर आप सभी जानते हैं कि उज्जैन में है, और ज्योतिर्लिंग भैरवगढ़ मंदिर और भरथरी की गुफाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। एक बात और आपको बता दूँ कि छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है क्या उज्जैन। ओंकारेश्वर की बात करें तो ये खंडवा में देखने को मिलेगा, ये प्रसिद्ध है ज्योतिर्लिंग के कारण। महेश्वर खरगोन में शिवलिंग सहस्त्रधारा और जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। मांडूधार में जहाज महल, रानी रूमती का महल और जामा मस्जिद, हिडोला महल। भोपाल की बात करें, भोपाल ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद, भारत भवन, मानव संग्रहालय। भीमबेटका की बात करें तो रायसेन, प्राचीन शैलचित्र, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। सांची की बात करें तो रायसेन में बौद्ध स्तूप अशोककालीन है, ये भी विश्व धरोहर स्थल है। पचमढ़ी की बात करें, होशंगाबाद में धूपगढ़, चौरागढ़, बड़े महादेव, जटाशंकर, पांड गुफा भी यहाँ देखने को मिलेगी। भेड़ाघाट की बात करें, जबलपुर में जलप्रपात यहाँ देखने को मिलेंगे। अमरकंटक अनूपपुर में नर्मदा सोन जोहिला का उद्गम स्थल, कपिलधारा और दुग्धधारा प्रपात यहाँ देखने को मिलेगा। ब्राइट सफारी सतना में सफ़ेद बाघों के लिए मुकुंदपुर में स्थित है। ठीक है, चित्रकूट सतना में अब्दुल रहीम खानखाना की भूमि है। ठीक है, खजुराहो की बात करें तो आप देखेंगे छतरपुर जिले में कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ 64 योगिनी पास मंदिर, ये सभी चंदेल शासकों ने बनवाए। चंदेरी की बात करें, अशोक नगर, चंदेरी दुर्ग, चंदेरी की साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ओरछा निवाड़ी में पड़ता है, रामलला मंदिर भी है और जहांगीर महल भी है, और यहाँ ये हरदौल की मनोती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, आपका है हिल स्टेशन, तो इसमें आप पचमढ़ी, इससे भी क्वेश्चंस कई बार आपका प्रीलिम्स में पूछ लेता है।
तो पचमढ़ी यहाँ का प्रमुख हिल स्टेशन है और होशंगाबाद जिले में पिपरिया स्टेशन के निकट स्थित पचमढ़ी का शाब्दिक अर्थ है कि पांच कुटियाँ, जो यहाँ स्थित गुफाएं हैं, पांच गुफाएं। दंत कथा अनुसार पांडवों ने वनवास का एक वर्ष यहाँ बिताया था और पुरातत्व वेत्ता इन्हें बौद्धकालीन मानते हैं। पचमढ़ी सबसे ऊंचाई पर स्थित राज्य पर्यटन स्थल है और इसे मध्य प्रदेश की छत भी कहते हैं, रूप ऑफ MP। ठीक है, पचमढ़ी में अनेक दर्शनीय स्थल भी मौजूद हैं। प्रिय दर्शनी और हाड़ी खो यहाँ सबसे आकर्षण घाटियाँ है। अप्सरा विहार, रजत प्रपात, राजगिरी, लांजी गिरी, आइरीन सरोवर, जलावरण, डचेस फॉल भी कहते हैं, जटाशंकर, छोटा महादेव, चौरागढ़, धूपगढ़, पांडव गुफाएं, धुआंधार प्रपात, भ्रांत नीर, डरोथी डीप, अस्तांचल, बीनवादक की गुफा, हार्फर केव और सरदार गुफा यहाँ देखने को मिलेगी। पचमढ़ी में राज्य की पुलिस प्रशिक्षण भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप में से कोई पुलिस की तैयारी कर रहा होगा तो आपको मालूम ही होगा। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। पचमढ़ी की खोज की अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, खोज किसने की थी, तो ये थी कैप्टन जेम्स फोरसिथ 1862 में। पचमढ़ी की अगर हम प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें या दर्शनीय स्थलों की बात करें, हांडी खो घाटी, इसमें यहाँ चौरागढ़ जो चोटी, जम्बूदुई, मधुमक्खी झरना, डचेस जलप्रपात, रीछ गए गुफा, जटाशंकर की गुफाएं, प्रियदर्शनी पॉइंट, राजेंद्र गीति चोटी, अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, पांडव गुफा, हारपुर की गुफाएं, भरत मीर गुफाएं, ठीक है। और यहाँ आप लोग अप्सरा की गुफाएं देख सकते हैं, सरदार गुफा, राजेंद्र गीत उद्यान, भीम कोठरी, मड़ादेव रॉक पेंटिंग, रीचगढ़, बेगम पैलेस, रंग संगम टूर, द्रौपदी कोटी, रविशंकर भवन, रोमन कैथोलिक चर्च, इको पॉइंट, सुषमासा, ठीक है। फिर आप अमरकंटक के बारे में भी काफ़ी सुनते होंगे, तो अमरकंटक को राज्य का दूसरा हिल स्टेशन माना जाता है और यह अनूपपुर जिले में है। अमरकंटक का पुरानी नाग त्रिक्स पर्वत था और याद रखिए, नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक भी ग्रीष्मकाल में शीतलता पहुंचाता है और यहाँ से नर्मदा, सोन, जोहिला तीन नदियों का उद्गम माना जाता है। वहीं यहाँ के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो कपिल धारा हो गया, दुग्ध धारा जलप्रपात, सोन मोड़ा, माई की बगिया, कबीर चौराहा, भिगु कमंडल, पुष्कर बांध। सन 2005 में पवित्र नगरी भी घोषित किया गया था अमरकंटक को। पवित्र धार्मिक स्थल अमरकंटक को तीर्थ राज भी कहते हैं, ठीक है। दर्शनीय स्थलों की बात करें तो आप देखेंगे नर्मदा नदी के उद्गम स्थल नर्मदा कुंड, सोन मुड़ा, माई की बगिया, चरणदा कुंड, दुग्ध धारा, कपिल धारा जलप्रपात, धुनी पानी और जलेश्वर, महादेव मंदिर, सबरी माता मंदिर, कर्ण मंदिर, सूर्यनारायण मंदिर, बंगेश्वर मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, 11 रुद्र मंदिर, सर्वोदय जैन मंदिर, कबीर चबूतरा आदि शामिल हैं इसमें, ठीक है, याद रखिए। कुछ ऐतिहासिक स्थल भी आप लोग देख लीजिए, जैसे खजुराहो हो गया, ये काफ़ी चर्चा में रहता है और आपके हर बार क्वेश्चन इससे भी पूछने को देखने को मिलते हैं, आपको पूछते हैं। छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो के मंदिर, वस्तुतः चंदेल राजा धंग द्वारा निर्मित कराए गए। इसका निर्माण आप देखेंगे 11वीं सदी तक चलता रहा। इन मंदिरों की संख्या प्रारंभ में 85 थी और अब 22 रह गए, बाकी नष्ट हो गए। इनके मुख्य प्रवेश द्वार पर सोने के दो खजूर आकृति के तौर द्वार भी हैं, जिनके कारण यह खजूर वाहक कहलाता है और कालांतर में खजुराहो मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने भी खजुराहो का वर्णन किया है। और यहाँ दर्शनीय स्थलों की बात करें या घूमने लायक जगहों की बात करें तो पश्चिमी समूह के मंदिर, जिसमें कदरिया महादेव मंदिर हो गया, 64 योगिनी, चित्रगुप्त, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, पूर्वी समूह में आप देखेंगे पार्श्व मंदिर, घंटाई मंदिर, आदिनाथ मंदिर, दक्षिण समूह में देखेंगे दूलादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप देखेंगे बैनी सागर बांध और इसने पिपात भी यहाँ देखने लायक है, ठीक है, कभी जाओ आप लोग तो देखना। फिर आता है मांडू, ये भी ऐतिहासिक स्थल है आपका, इंदौर जैसे शहर से मात्र 100 किलोमीटर दूरी पर है और ये धार जिले में है, ठीक है। मांडवगढ़ को ही मांडू कहते हैं आप लोग। मांडू का प्राचीन नाम मंडाप दुर्ग है, ठीक है। इसे सिटी ऑफ जॉय, महलों की नगरी, करीमाबाग या मछली नगरी भी कहते हैं, ये उपनाम है इसके, ठीक है। चंद सिंह के अभिलेखानुसार 600 ईस्वी चंद सिंह ने मांडाप दुर्ग में पार्श्वनाथ मंदिर का बनवाया था। परमा शासक जयवर्वन द्वितीय और
या फिर ज्योति ने अपना राजधानी धासी मांडू शिफ्ट की थी। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार मांडू को सन 2018 में प्राप्त हुआ था और मांडू को बाज बहादुर और रानी रूमती की विनय कथा से भी जोड़ा जाता है। समुद्र से 2000 फुट की ऊंचाई पर विंध्य पर्वत माला की गोद में स्थित है। इसे सुरक्षित स्थलों को मालवा के परमार राजाओं ने अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है, परमार के राजाओं के समय राजधानी बनाया। और दर्शनीय स्थल की बात करें या घूमने वाले स्थलों की बात करें तो यहाँ मांडू का परकोटा जिसमें 12 दरवाजे देखने को मिलेंगे, जो रामपोल तारापुर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा आदि नामों से भी जाना जाता है। जहाज महल, हिडोला महल, होसंग साहे का मकबरा, जामा मस्जिद, असरफी महल, रेवा कुंड, रूपमती मंडप, नीलकंठ महल, हाथी महल, लोहानी गुफाएं यहाँ देखने को मिलेगी। फिर आप देखते होंगे कि भरहूत सतना में देखने को मिलेगा। यहाँ सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्धकालीन स्तूप के खंडर हैं। इसकी खोज आप देखेंगे कर्निंगम ने 1854 में की थी। ठीक है, सांची की बात करें तो रायसेन जिले में सांची नगर भोपाल से 45 किलोमीटर दूर ही पर देखने को मिलेगा। और सांची का प्राचीन काल नाम है काकनाय, ठीक है, या फिर बौद्ध श्री पर्वत था। और यह बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। और यह एक विशाल स्तूप देखने को मिलेगा और समीप ही एकाश्म स्तंभ भी देखने को मिलेगा। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी रानी विदिशा की महादेवी के कहने पर करवाया था। सोंग काल में स्तूप के चारों ओर जंगला निर्मित हुआ था। सांची का स्तूप न सिर्फ स्तूपों में सबसे बड़ा है बल्कि अभी तो मोगलयान और सारीपुत्र की अस्थियाँ भी यहाँ की अस्थियों के कारण बौद्धों के लिए श्रद्धा का केंद्र रहा है। और यहाँ दो छोटे स्तूप भी आपको देखने को मिलेगा, इनके दांतों के वो भी रखे हुए हैं यहाँ। ठीक है, अगर हम बात स्तूपों के तोरण द्वार पर जातक कथाएं भी अंकित हैं। क्या जातक कथाएं? और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति अमकादेव का भी एक अभिलेख यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ हिंदू धर्म के गुप्तकालीन मंदिर भी बने हुए हैं। 2012 में बीच में विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ की गई है, बौद्ध विश्वविद्यालय की। ठीक है, सांची स्थित अन्य स्मारक की बात करें तो अशोक स्तंभ या फिर आप देखेंगे इसमें एक सेकेंड रुकिएगा, धुंधला पड़ रहा है, देख रहे हैं आप लोग? चेतिया गृह बिहार है और पुरातत्व संग्रहालय भी है और बौद्ध मठ भी देखने को मिलेगा, गुप्त मंदिर भी यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक, फिर आपका विदिशा भी है, यह पहले भेलसा या फिर बेसनगर के नाम से भी आप लोग इसे जानते थे। ठीक है, और इसका वो प्राचीन नाम आप देखेंगे इसका महामलिस्थान या फिर मेवासा भी रहा है। और जब अशोक उज्जैनी का राज्यपाल था तो यहाँ आया करता था। अशोक ने यहीं के एक व्यापारी की लड़की महादेवी से विवाह भी किया था। और सुंग राजा जो अग्निमित्र की राजधानी रहे वेशनगर में, यूनानी राजा एंटीक्लाइडियस ने दूत हेलियोडोरस को भेजा था और इसने एंटीडोरस भी कहते हैं, और उसने गरुड़ अंकित स्तंभ लगवाया और अपने को भागवत वैष्णवी घोषित किया। इस स्तंभ पर उत्कीर्ण है, इसे खंबा बाबा भी कहते हैं। ठीक है, दर्शनीय स्थलों की बात करें तो लोहांगी शिला, गुम्बज, बीजा मंडल, सम्राट अशोक सागर, हलाली सागर भी कहते हैं। फिर आपका ग्वालियर भी काफ़ी चर्चित है और इसकी स्थापना गालव ऋषि के नाम पर हुई है ग्वालियर की, जहां जहांगीर ने छठवें सिख गुरु हरगोविंद सिंह को इसी दुर्ग में बुलाया था। किसमें? इसी दुर्ग में। और दुर्ग पर निर्मित आप देखेंगे विशाल बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी, इसका भी देखे आप लोग गए भी होंगे, कई लोग ग्वालियर की तरफ से होंगे। तो दर्शनीय स्थल की बात करें ग्वालियर दुर्ग, बलुए पत्थर, गुजरी महल जो राजा मानसिंह तोमर ने गुर्जर रानी मेघनयनी के प्रेम में बनवाया था, मान मंदिर, सूरज कुंड, तेली का मंदिर, सासबहू का मंदिर, सहस्त्रबाहू भी कहते हैं, जयविलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की अश्वारोही मूर्ति, संग्रहालय, तानसेन की समाधि और गौस मोहम्मद का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि देखने को मिलेगा, तानसेन का मकबरा भी यहीं देखने को मिलेगा, कला वीथिका, नगर पालिका संग्रहालय, चिड़ियाघर, गुरुद्वारा, सूर मंदिर यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं, कभी आप लोग जाएं तो देख के आए। अब देखिए भोपाल यानी कि आपकी राजधानी में क्या क्या है। भोपाल राजा भोज द्वारा बचाया गया भोजताल ही भोपाल या भोपाल
फिर भोपाल हो गया, भोपाल पांच पहाड़ियों पर बसा है, यहाँ दो झीलें भी देखने को मिलेगा। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में आप ताजुल मस्जिद सर्वाधिक बैठने में क्षमता वाली है, जामा मस्जिद, शौकत महल, भारत भवन, बिड़ला मंदिर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, वन विहार देखने को मिलेगा। ओरछा की बात करें तो बुंदेला सरदार रुद्र प्रताप ने 16वीं सदी में ओरछा राज्य की स्थापना की और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कुछ समय के लिए यहाँ बिताया है ओरछा के पास। दर्शनीय स्थल शहीद स्मारक, जहांगीर महल, हरदौल महल, सुंदर महल, राय प्रवीण महल, फूलबाग और चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी यहाँ देखने को मिलेगा। उदयपुर की बात करें तो विदिशा जिले में स्थित उदयपुर स्थापत्य कला के लिए मशहूर है। यहाँ स्थित एक गुफा में 12 अवतार की प्रतिमा भी है। अन्य स्थल की बात करें तो बीजा मंडल हो गया, शाही मस्जिद महल हो गया, पिसनहारी मंदिर हो गया, ठीक है। यहाँ पर्यटन विभाग की 5 हेरिटेज संपत्तियाँ भी हैं, जैसे गोविंद फल फोर्ट रीवा में, ताजमहल पैलेस भोपाल, राजगढ़ पैलेस दतिया, वेंजीर पैलेस भोपाल, माधवगढ़ फोर्ट ये आपका सतना। मध्य प्रदेश के प्रमुख किले भी हैं, दुर्ग भी जिन्हें आप लोग कहते हैं, किले दुर्ग आप लोग देखने जाया करिएगा। तो इसमें नरसिंहगढ़ का किला, राजगढ़ के जिले में स्थित इस किले को कश्मीर ए मालवा भी कहा जाता है, याद रखिए नरसिंहगढ़ के किले को आप लोग कश्मीर ए मालवा भी कहते हैं। किले के समय चिड़ीखो घील भी है, झील। ग्वालियर किला, ग्वालियर किले को किलों का रतन कहा जाता है, जिसे राजा सूरज सेन ने एक ऋषि गालों की स्मृति में 500 ईस्वी में बनवाया था। इसे पूर्व के जिब्राल्टर की संज्ञा भी दी गई है। यह गोपालचल पर्वत पर स्थित है और इसे आलमगीर दरवाजा, हिडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा, हाथीफोर्ट दरवाजा फिर वो है। इस किले में सासबहु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, मान मंदिर, मान का मंदिर, तेली का मंदिर और विष्णु मंदिर भी देखने को मिलेगा। सहस्त्रबाहु सासबहु का मंदिर का निर्माण 1092 में कछवाहा वंश के राजा महीपाल ने करवाया था। महीपाल ने मांडू दुर्ग, मांडू दुर्ग भी एक विशाल परकोटा है जिसमें आप देखेंगे 12 दरवाजे देखने को मिलेंगे। मांडवगढ़ धार में 6वीं ईस्वी के पास आप देखेंगे पूर्व भंडार दुर्ग के नाम से इसे भी जानते हैं। पूरनमल का किला, पूरनमल का किला रायसेन में देखने को मिलेगा। इसे शेरशाह तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं जीत पाया था, इसे मूलतः राजा रास बसंती ने बनवाया था, राज बसंती। असीरगढ़ किले, असीरगढ़ किले बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यह मुमताज के फैसा और उसकी मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है, कहा जाता है कि इसी किले में मुमताज की डेथ हुई थी। यह किला 10वीं शताब्दी में आसा नामक अहीर राजा बुरहानपुर जिले में निर्मित करवाया था और इस किले में आसा देवी का मंदिर भी देखने को मिलेगा और 10वीं शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन शिव मंदिर भी देखने को मिलेगा। अजयगढ़ दुर्ग तो पन्ना के निकट अजयगढ़ दुर्ग राजा अजयपाल द्वारा निर्मित एक विशाल और सुदृढ़ दुर्ग है। भोपाल से 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ का किला है, जिसे महाराज उदय वर्मन ने बनवाया था और अजयगढ़ के ऊपर पत्थर की नक्काशी पर बना हुआ राजा अमन का महल अत्यधिक प्रसिद्ध एवं दर्शनीय भी है। चंदेरी दुर्ग की बात करें तो अशोकपुर जिले में देखने को मिलेगा, अशोकनगर में। चंदेरी साड़ी के लिए भी अपना काफ़ी प्रसिद्ध है और इसे प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में बनवाया था। किसने? कीर्तिपाल ने। बांधवगढ़ का दुर्ग, तो उमरिया जिले में बांधवगढ़ का दुर्ग अभेद और भव्य दुर्ग के रूप में विख्यात है, जो अब बीहड़ जंगलों में पहाड़ी में पर स्थित है। यह दुर्ग आप देखेंगे 14वीं शताब्दी में बघेल शासक ब्रगदेव द्वारा निर्मित करवाया गया था। उमरिया जिले में स्थित इस दुर्ग में क्षीर सागर कुंड, शेष शाही तालाब, विष्णु भगवान का मंदिर और राम लक्ष्मण सीता का मंदिर भी देखने को मिलेगा। ओरछा दुर्ग, तो ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है और ओरछा का दुर्ग बुंदेला राजाओं के शौर्य और त्याग की कहानी कहता प्रतीत होता है। यह झांसी के निकट आपको देखने को मिलेगा। निवाड़ी जिले में यह दुर्ग 16वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था। यहीं बुंदेलाओं की छत्रियाँ भी देखने को मिलेंगी। मंडला दुर्ग की बात करें तो मंडला दुर्ग जबलपुर से 96 किलोमीटर दूर स्थित है, जो गोंड वंश की राजधानी भी रहा है। इसका निर्माण राजा नरेश साय ने करवाया था और इसमें राज्य राजेश्वरी की स्थापना निजाम साय ने करवाई थी। दतिया का किला एक काफ़ी प्रसिद्ध है। बुंदेला नरेश वीर सिंह देव ने 1626 में इस किले को बनवाया और नरेश भवानी सिंह ने इसके द्वारपट पर लिखवाया कि जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन,
किले में सातखंडा महल, वीर महल और गोपाल महल, मुंडा महल देखने को मिलेगा। किले के अंदर दीवारों पर गैंडा हाथी और उसके विपरीत दिशा में हिप्पो चिड़िया का सिर टंगा हुआ है। सातखंडा महल के में ऊपर सात व नीचे दो तल हैं, ठीक है। कान्हा कन्हरगढ़ तो दतिया में सिंधु नदी तट पर स्थित है। मकड़ाई का किला हरदा जिले मुख्यालय से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में देखने को मिलेगा। यहाँ के राजा मकरंद साय ने पिंडारियों के हमलों से बचाव करने के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। किले के निकट में ही जादूगर मालन का महल सिमारी नदी के तट पर है। किलों के चार द्वार भवन राज्य परिवार के निवास स्थल और भोज एवं विशाल भव्य बावड़ी भी है। संबलगढ़ का किला, यह किला आप देखेंगे मुरैना जिले में देखने को मिलेगा और संबलगढ़ की ऊंची पहाड़ियों पर करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी के पूर्वाध में बनाया गया था। चार प्रवेश द्वार वाले इस किले के अंदर नवल सिंह की हवेली और बुर्जों की विशाल श्रृंखला भी देखने को मिलेगी। स्थापना की बात करें तो 18वीं सदी में सरवल्ला गुर्जर द्वारा रखी गई नींव पर किला करौजी महाराज यदुवंशी गोपी सिंह द्वारा बनवाया गया। मंदसौर के किले की अगर हम बात करें, मंदसौर का किला तो सिवनी नदी के किनारे पर स्थित है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में बनवाया था। इस किले में 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव मंदिर भी है। किले के प्राचीर में अनेक पत्थरों पर हिंदू देवती देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनी हैं। किले का संबंध कछवाहों, तोमरों और जयपुर के राजघरानों से भी है। कुशलगढ़ किला, कुशलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील में स्थित है, जिसे राज्य शासन ने पुरातत्व महत्व का मानते हुए संरक्षित स्मारक घोषित किया है। धार का किला, निर्माता रहे हैं मूलतः राजा भोज द्वारा निर्मित, किंतु वर्तमान स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिया था। समय 1344 ईस्वी तक तुगलक दक्षिण विजय के दौरान धार रुका था, उसी ने बनवाया था। शैली की बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है, ठीक है, विशेषकर हिंदू अफगानी। किले में स्थित अन्य इमारतों की बात करें तो माँ कालका मंदिर देखने को मिलेगा, खरबूजा महल, अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा भी। गिन्नौरगढ़ दुर्ग, ये आपका 13वीं सदी में राजा उदयवर्मन द्वारा बनवाया गया था। अंतिम गौड़ राजा कमलपति की सहायता कर दोस्त मोहम्मद ने भोपाल प्राप्त किया और फिर कमलपति ने गिन्नौरगढ़ दुर्ग छीन लिया था। तोतों की पर्याप्त उपलब्धता के बाद इसे सुखा क्षेत्र भी कहते हैं, तोतों का क्षेत्र, ठीक है। गुहद का किला, ये 16वीं सदी में जाट राजाओं द्वारा निर्मित भिंड जिले के में के गुहद में स्थित है। यूनेस्को ने किले को अनरेबल हेरिटेज की सूची में 2018 में जोड़ा था। और शहरों की सूची में आप देखेंगे ग्वालियर और आपके ओरछा को भी जोड़ा गया है, ठीक है। अन्य किले और दुर्ग की बात करें तो शिवपुरी जिले में नरवर का किला राजा नल द्वारा निर्मित है। इंदौर का राजवाड़ा होलकर की राजधानी रहा है, जबकि धार का किला बनवारों की और अटेर और गोहर के किले भिंड जिले में स्थित है। इसके अलावा आप देखेंगे नर्मदा तट पर स्थित होशंगाबाद के किला को जो 15वीं सदी में निर्मित किया गया। मुरैना जिले की आसन नदी के किनारे स्थित कुतवार का पुराना किला, जिसे 18वीं सदी में गोहद के जाट राजा राणा छत्रपति ने करवाया था। मंदसौर जिले में नावली कस्बे के समीप स्थित हिंगलाजगढ़ का दुर्ग है और नर्मदा किनारे स्थित महेश्वर का किला भी देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख आप देख सकते हैं, महल की बात करें तो मध्य प्रदेश में जितने महल हैं उतने अन्य जगह नहीं है, और मध्य प्रदेश को महलों का राज्य भी कहा जाता है। ये महल राजाओं द्वारा अपने निवास एवं दरबार हेतु बनवाए गए थे। सबसे एक तरह से चर्चित तो आप देखते हैं ग्वालियर के महल की है। यहाँ आप देखेंगे जय विलास पैलेस में सोने से रंगा दरबार हाल है। यह जीवाजी राव सिंधिया का निवास था और अब यह एक संग्रहालय है। ग्वालियर का किला उसमें स्थित गुजरी महल राजा मानसिंह ने अपनी गुर्जर प्रेमिका मिगनैनी के लिए बनवाया था। ग्वालियर में ही जीवाजी राव सिंधिया ने मोती महल भी बनवाया था, जयविलास महल, ठीक है। फिर आप देखेंगे मांडू के महल, मांडू के महलों की नगरी है, मांडू महलों की नगरी है। यहाँ रानी रूपमती का महल, उनके प्रेमी बाज बहादुर का महल, हिडोला महल, खरबूजा महल, असरफी महल, दाई का महल दर्शनीय है। और असरफी महल अपने बैल बूटों की पच्चीकारी के लिए है, यानी कि जो लगे हुए हैं एक तरह से जो डिजाइन की गई उसके लिए मशहूर है। नीलकंठ महल मंदिर के समीप स्थित है। इस महल का निर्माण शाहिद बदगा खान ने अकबर की हिंदू पत्नी के लिए करवाया था और इसकी दीवारों पर अकबर कालीन कला की नमूने भी देखने को मिलेंगे। मांडू में स्थित रीवाकुंड किंतिम झील है और जिससे बाज बहादुर ने क्या करवाया था,
बाज बहादुर ने रूपमती मंडप में पानी की आपूर्ति के लिए बनवाया था। मांडू स्थित अनेक दर्शनीय स्थल में से एक हिडोला महल, जिसमें आप देखेंगे कि घुमाओ महल भी कहा जाता है और झूला राजप्रसाद भी कहा जाता है। हिडोला महल वस्तुतः एक सभागार है जिसका निर्माण ग्यासुद्दीन के समय के में हुआ था। एक तरह से रायसेन दुर्ग के महल की बात करें तो यह राजा राज बसंती द्वारा निर्मित राजा रोहित का महल और बादल महल दोनों ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ इत्तदार महल भी दर्शनीय है। चंदेरी दुर्ग के महल की बात करें तो राजा कीर्तिपाल द्वारा निर्मित ये आपका महल है नौलखा। क्या है? नौलखा महल। और इसमें आप देखेंगे और हवा महल चंदेरी दुर्ग की शोभा भी बढ़ाता है। दोनों 11वीं सदी के आसपास के हैं। यह अब अशोक नगर के नाम से जिले में है। ठीक है, अशोक जिले में। मंडला के महल की बात करें तो मंडला जिले में दो महल हैं। एक राजा हृदय शाह द्वारा निर्मित मोती महल जो रामनगर की जंगलों में है और दूसरा है बघेलियन महल जो मंडला के समीप नर्मदा तट पर स्थित है और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत दर्शनीय स्थल भी है। शौकत महल की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा भोपाल स्थित शौकत महल के निकट ही भव्य समय मंजिल भी बनी हुई है। कहा जाता है कि भोपाल के शासक ने इस मंजिल का उपयोग पब्लिक हॉल के रूप में करते थे। यह मंजिल आप देखिए इस्लामिक और यूरोपियन शैली की मिश्रित रूप है। खरबूजा महल ये धार में धार जिले किले में स्थित है। एक खरबूजा महल मांडू में भी स्थित है, याद रखिए दोनों। बुरहानपुर स्थित किस बेगम के मकबरे को भी खरबूजा महल कहा जाता है। कमलापति पैलेस भोपाल में स्थित यह महल 18वीं सदी के प्रारंभ में बना। इसे रानी कमलावती ने बनवाया था इसलिए इसका नाम कमलापति पैलेस महल पड़ा। वर्ष 1722 में बने इस महल से दोनों झीलों का खूबसूरत नज़ारा भी देखा जा सकता है। यह महल आप देखेंगे परमार कालीन वास्तु एवं स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण भी है। कोसक महल ये चंदेरी शहर के निकट कौशल एक तरह से कौशल महल को 1445 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी ने बनवाया था। यह महल चार बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। सुंदर महल की बात करें तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ऐतिहासिक नगर और पर्यटन स्थल ओरछा में सुंदर महल है। सुंदर महल को प्यार के महल के रूप में भी जानते हैं क्योंकि इसे हिंदू राजकुमार धोर भजन और उनकी मुस्लिम प्रेयसी के प्रगाढ़ प्रेम की याद में बनाया गया है। राजकुमार सुरभजन राजा जुझार सिंह के पुत्र थे। अन्य महल की बात करें तो जजवालपुर का मदन शाह द्वारा निर्मित मदन महल 12वीं सदी में बनवाया था, गौड़ कला का नमूना है। ओरछा दुर्ग में आप देखेंगे सम्राट जहांगीर ने अपने विश्राम हेतु जहांगीर महल भी बनवाया था, ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है। ठीक है, ये आपके जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं मध्य प्रदेश के। इसमें आप देखेंगे पावागिरी ऊन खरगोन में स्थित दिगंबर जैनों का स्थल है और 99 जैन मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ। ठीक है, पर आप देखेंगे पुष्पगिरी ये देवास के निकट सोनकक्ष में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। गुम्बटगिरी इंदौर में स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ है और यहाँ पहाड़ी पर महावीर स्वामी आदिनाथ और पार्श्वनाथ आदि के भव्य मंदिर और विहार भी आपको देखने को मिलेंगे। मंगलगिरी की बात करें तो ये सागर में स्थित जैन तीर्थ है। मुक्तागिरी की बात करें तो बैतूल जिले में स्थित है और लगभग 52 मंदिर हैं जिनमें से कुछ चट्टानों के अंदर भी निर्मित हैं। सोनागिरी के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। ये दतिया जिले में सोनागिरी भी प्रसिद्ध जैन मंदिर है और यहाँ घूमने जा सकते हैं आप लोग, बढ़िया स्थल है। ठीक है, और पिसनहारी की मड़िया और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट देखने को मिलेगी। पिसनहारी की मड़िया दिगंबर जैन पंथ का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह जैन मंदिर अपने वास्तुशिल्प और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह 600 साल पुराना पर्यटन स्थल है। अगर हिंदुओं के बारे में बात करें हम लोग तो हिंदुओं के तो बहुत सारे आपको देखने को मिले जाएंगे। इसमें आप देखते हैं कि सबसे चर्चित है पीताम्बरा पीठ, ये दतिया जिले में देखने को मिलेगी। माँ बगलामुखी पीताम्बरा पीठ हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक और तांत्रिक स्थल है। महेश्वर की बात करें तो एक खरगोन महेश्वर खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और इसका प्राचीन नाम महेशमती भी है। इसे गुप्त काशी भी आप लोग कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना रानी अहिल्याबाई ने की थी और यहाँ भवानी माता का मंदिर महिलेश्वर शिवालय राजवाड़ा वणेश्वर शिवालय बिठाजी की छतरी राजराजेश्वर शिवालय कालेश्वर जालेश्वर बाड़ेश्वर पंडरीनाथ विश्वनाथ मंगतेश्वर शिवालय भरथरी की गुफा सहस्त्र जला धारा जलप्रपात अहिल्या संग्रहालय होलकर वंश की छत्रियाँ ये सभी देखने को मिलेंगी आपको महेश्वर में। ठीक है, कामतगिरी की बात करें तो ये जिला सतना में देखने को मिलेगा।
सतना जिले में, और चित्रकूट तीर्थ स्थल का सबसे प्रमुख भाग कामतगिरी है। यहाँ भगवान कामतनाथ या कामतानाथ का मंदिर है, और सिद्धालु प्रयाग कामतगिरी की परिक्रमा भी करते हैं। आप लोगों में से कोई कई लोग गए होंगे यहाँ, ठीक है। और यही मेहर है, जब भी जाए तो आप लोग चित्रकूट मेहर ये सब घूम के आए यहाँ। दादाजी दरबार की बात करें तो खंडवा में देखने को मिलेगा, और महान संत दादाजी की समाधि स्थल है। बावन गजा की बात करें तो बड़वानी जिले में बावन गजा पहाड़ी भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए प्रख्यात है। वहीं यहां आप देखेंगे ऋषभनाथ की प्रतिमा भी है, और प्रत्येक 12 वर्षों में महामस्ताभिषेक भी होता है यहाँ, ठीक है। ये भी आपका जैन मंदिर है, लेकिन हिंदुओं में भी काफ़ी इन्हें मानते हैं। नेमावर की बात करें तो नर्मदा तट देवास जिले में देखने को मिलेगा, इसे नेमावर हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, और यहाँ प्रतिवर्ष आपको मेला भी देखने को मिलेगा। रुनिया, ये बड़नगर स्थित रुनिया तेजाजी महाराज से संबंधित है, पवित्र स्थान है, यहाँ भी प्रतिवर्ष आपको देखने को मिलेगा मेला। ओंकारेश्वर की बात करें तो ओम आगती वाले इस स्थान में से मैं 12 में से 1 ज्योतिर्लिंग भी उपस्थित है। नर्मदा तवा के संगम पर ओंकार मंधाता मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यही ममलेश्वर शिव मंदिर भी देखने को आपको मिलेगा, यहाँ भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। और प्रसिद्ध धार्मिक अगर स्थलों की ओर की भी बात करें तो इसमें भोजपुर भी आपका, भोपाल निकट स्थित भोजपुर अपने विशाल शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके स्थापना की बात करें तो राजा भोज ने की थी। यह बस विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग है, ठीक है। नोहटा की बात करें तो ये गौरैया बिरसा नदी संगम पर बसा नोहटा कभी चंदेलों की राजधानी भी रहा है, और अब यह शिव मंदिर और जैन मंदिर के अवशेषों के लिए विख्यात है। मंदसौर की बात करें तो आप जानते हैं कि प्राचीन नाम इसका दसपुर है, यानी कि मंदोदेरी से संबंधित है रावण, समझ रहे हैं। यहाँ भारत का प्राचीनतम पशुपतिनाथ मंदिर है, और ऐसा ही एक पशुपतिनाथ मंदिर घुरेल पहाड़ी व्यवरा पर भी देखने को मिलेगा। चित्रकूट सतना की बात करें तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिया था, और अब्दुल रहीम खानखाना की भूमि भी कहा जाता है इसे, ठीक है, इसके लिए भी प्रसिद्ध है। मितावली की बात करें तो मितावली मुरैना जिले में स्थित प्राचीन मंदिर है, और प्राचीन काल में इसे तांत्रिक क्रिया का विश्वविद्यालय भी कहते हैं। पितिहार राजाओं ने मुरैना से 45 किलोमीटर दूर रेठौरा क्षेत्र में 64 युगनी मंदिर का निर्माण भी कराया था, और नई दिल्ली के संसद भवन का स्थापत्य इस मंदिर के स्थापत्य से प्रेरित है, ठीक है। यहाँ आपको ग्यारसपुर विदिशा में देखने को मिलेगा। विदिशा के समीप स्थित प्राचीन मंदिरों के अवशेषों के लिए जानी जाती है, और यहाँ से आप देखेंगे 10वीं शताब्दी का अभिलेख एवं वैष्णव मंदिर की जानकारी भी मिलती है। अभिलेख में आप देखेंगे महेंद्रपाल और चामुंडा राज एवं शिवगढ़ की जानकारी भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। फिर आप एक देखते हैं हिंगलाजगढ़ का, तो ये मंदसौर में देखने को मिलेगा। हिंगलाजगढ़ राज्य संरक्षित स्मारक है, यहाँ एक किले के अवशेष हैं जिसमें कचहरी महल, सूरज पोल, कटारा पोल, पाटन पोल, सूरज कुंड देखने को मिलेगा। गुप्तकाल से लेकर 14वीं शताब्दी तक की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, और इस एक शक्तिपीठ के रूप में यहां गौरी के विभिन्न रूप, सप्तमातृकाओं को एकाकी प्रतिमाएं, तांत्रिक पूजाओं के साक्ष, अपराजित विनायकी, कात्यायनी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, अर्धनारीश्वर शिव, लकुलिस, सदाशिव नटराज प्रमुख हैं। पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और चंद्र प्रभु की जैन मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। अगर सिख स्थलों की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें आपको आनंद साहब ईसागढ़ अशोकनगर में देखने को मिलेगा। बंदी छोड़ गुरुद्वारा जयविलास पैलेस ग्वालियर में गुरु हरगोविंद सिंह जी को यहाँ जहांगीर ने कैद रखा था। इमली बाजार गुरुद्वारा, ये इंदौर में गुरु नानक देव यहाँ पधारे थे। बाड़ी संगत गुरुद्वारा, ये बुरहानपुर में 10वें गुरु गोविंद सिंह यहाँ आए थे। भाई बाला संधु गुरुद्वारा, ये शिवपुरी में गुरु नानक यहाँ ठहरे थे। ओंकारेश्वर साहिब, ओंकारेश्वर खंडवा, ठीक है। और ईसाई धर्म की बात करेंगे हम लोग तो कैथेड्रल चर्च, ये जबलपुर में देखने को मिलेगा। रेड चर्च इंदौर में, ब्राइट चर्च इंदौर में, और पचमढ़ी चर्च ये पंचमढ़ी में देखने को मिलेगा, ठीक है। 1875 में निर्मित हुआ था। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अद्भुत मंदिरों के बारे में। इसमें आप देखेंगे मंगलनाथ मंदिर, ये कहाँ है? उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर को पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी माना जाता है, याद रखिए, ठीक है। इस केंद्र पर हिंदुओं वैदिक आर्यजन को भूगोल की शिक्षा प्राप्त हुई थी। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है, तो याद रखिए मंगलनाथ मंदिर, जो उज्जैन में पड़ता है, ठीक है।
फिर आप देखेंगे गोपाल मंदिर, तो ये भी आप देखेंगे उज्जैन स्थित विश्व के एकमात्र श्री कृष्ण मंदिर, जहाँ हरि विष्णु और हर शिव का प्रतिवर्ष एक बार मिलन होता है, ठीक है। फिर आप देखते हैं महाकाल मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा उज्जैन में। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है और गुफा मार्ग से यह मंदिर काशी से जुड़ा हुआ है। उज्जैन के राजा महाकाल हैं और मानता है कि कोई भी मंत्री यहाँ रात्रि में विश्राम नहीं करता, अन्यथा उसकी कुर्सी छिन जाती है। और आप समझ सकते हैं कि नेताओं की कुर्सी कितनी प्यारी होती है, उसके लिए तो वो क्या क्या कर डालते हैं। शारदा मंदिर की बात करें तो ये मेहर सतना में देखने को मिलेगा। माँ शारदा मंदिर में प्रतिदिन उदल आला उदल पुष्प अर्पित करने आते हैं और जिसके प्रमाण पर खुलने पर स्पष्ट मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ किस तरह की प्रथा आप लोग कह लीजिए या सच में आते हैं, ये तो आप लोगों को वहाँ जाकर ही मालूम चलेगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर में शिवना नदी तट पर स्थित इस मंदिर में प्रतिवर्ष शिवना नदी अपने उत्प्लावित जल से शिवलिंग का अभिषेक करती है और परंतु तुरंत उतर जाती है। मंगल भगवान शिव की अष्टमुखी प्रतिमा भी है यहाँ और चतुर्भुज शिव क्रमशः बाल्यकाल, युवावस्था, पूर्णावस्था, वृद्धावस्था प्रदर्शित करती है। फिर आप देखेंगे बाबा बैजनाथ मंदिर भी है। आगर जिले में स्थित यह मंदिर पहले मठ था। कर्नल मार्टिन ने इसका जीर्णोद्धार 1883 में करवाया था और जन सहयोग से करवाया था और इस मंदिर से संबंधित एक चमत्कारी न्यायिक सुनवाई जुड़ी हुई है। तो हर मंदिर से आप लोगों को इस तरह के अद्भुत तथ्य देखने को मिलेंगे। सूर्य मंदिर की बात करें तो मध्य प्रदेश में दो सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। एक तो आपका सूर्य मंदिर लसगढ़ ग्वालियर में और दूसरा सूर्य मंदिर रहेली सागर में। सुनार नदी तट पर स्थित यह है मंदिर संरक्षित क्षेत्र है, तो इन दोनों को याद रखिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे गौरी सोमनाथ मंदिर, मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के गौरी सोमनाथ मंदिर की स्थापना पांडवों ने वनवास काल के दौरान की थी और मंदिर को मामा भांजे का मंदिर भी कहा जाता है। गौरी सोमनाथ मंदिर को मामा भांजे का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर और ओरछा का लक्ष्मी नारायण मंदिर 1623 में ईस्वी में बीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया था और यह मंदिर ओरछा गांव के पश्चिम में एक पहाड़ी पर बना हुआ है। मंदिर में 17वीं और 19वीं शताब्दी के चित्र भी बने हुए हैं। मंदिर में झांसी की लड़ाई के दृश्य और भगवान कृष्ण की आरतियाँ भी बनी हुई हैं। यह मंदिर वास्तुकला की एक अनूठी शैली है और जो किले और मंदिर का मिश्रण है, ठीक है। फिर आप देखेंगे गोलकी मठ, ये कहाँ है? गोलकी मठ है। गोलकी मठ वस्तुतः जबलपुर स्थित 64 योगिनी मंदिर है और संगमरमर चट्टान के पास स्थित इस मंदिर में देवी दुर्गा को 64 अनुसंगिकों की प्रतिभा है और इसीलिए आप देखते हैं कि ये 64 योगिनी मंदिर है। और मंदिरों की विशेषता यह है कि इसके बीच में स्थापित भगवान शिव की प्रतिमा है जो देवियों की प्रतिमा से घिरी हुई है। इस मंदिर का निर्माण 1000 ईस्वी के आसपास कलचुरी वंश के शासकों ने करवाया था, ठीक है, याद रखिए। और आगे है आपका कांच मंदिर, ये इंदौर का एक भव्य मंदिर है और यह मंदिर सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है। मंदिर में कांच का शानदार काम हुआ है और मंदिर के अंदर दीवारें, छतें और खंभे, फर्श, दरवाजे आदि सब कुछ कांच से तैयार किए गए हैं, इसलिए आप देखते हैं कांच मंदिर इसका नाम पड़ गया। मंदिर की आंतरिक संरचना में कई रंगों के कांच को लगाया गया है। इस मंदिर को एक मध्ययुगीन हवेली के रूप में बनाया गया है और मंदिर का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से कांच से निर्मित है। और कांच मंदिर एक जैन मंदिर है जिसे वे 20वीं सदी के प्रसिद्ध कपास व्यापारी हुकुमचंद ने बनवाया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय व्यापारियों के पास काफ़ी अच्छा पैसा हुआ करता था, आज भी तो होता है। फिर आप देखेंगे कर्णेश्वर महादेव मंदिर, ये पांडवकालीन कर्णेश्वर मंदिर महादेव मंदिर स्वयं कर्ण द्वारा इंदौर बैतूल हाईवे पर स्थित कर्णावत जिला देवास में स्थापित किया गया था और प्रतिवर्ष जमीन में धसे रहे शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि पूर्णतः धसने पर कलयुग का अंत हो जाएगा और आप सभी लोग जानते हैं। भोजपुर शिव की शिव मंदिर की बात करें तो राजा भोज द्वारा वैधवा नदी के तट पर स्थित शिवलिंग विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग है और इस मंदिर की ज्यामिति गणित का उत्कीर्ण पास की भूमि भूशिला पर किया गया है। फिर आप देखेंगे वन खंडेश्वर मंदिर, ये भिंड में देखने को मिलेगा। भगवान शिव के इस मंदिर की स्थापना पृथ्वीराज चौहान ने 1175 ईस्वी में की थी और ओंकारेश्वर ममलेश्वर मंदिर भगवान शिव के द्वादश
ज्योतिर्लिंगों में से ओकारेश्वर ममलेश्वर है। ओम आकार स्थित नर्मदा द्वीप पर यह स्थित है और निकट ही काजल रानी गुफा और शंकराचार्य गुफा भी है। ठीक है, कुछ आपके प्रसिद्ध कुंड भी हैं, इन्हें भी आप लोग याद रखिए, इनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नर्मदा कुंड तो अमरकंटक स्थित नर्मदा का उद्गम स्थल है। सोनकुंड की बात करें तो अमरकंटक स्थित सोन का उद्गम स्थल है यहाँ से। रेवाकुंड की बात करें तो मांडू स्थित किंतिम झील, जिसे बहाज बहादुर ने रोमती महल में पानी की आपूर्ति के लिए बनवाया था। जोहर कुंड की बात करें तो ये चंदेरी के किले में स्थित जोहर कुंड में कहा जाता है ऐसा कि 800 राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया था, यानी कि इसमें कूद गई थी। ठीक है, कारण था कि वानर हाथों राजा मेदिनी राय की पराजय हुई थी बाबर के हाथों। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिख दिया, वानर। ठीक है, बाबर के द्वारा आप जानते हैं, तो इसमें चंदेरी के युद्ध में। ठीक है, डोयला बावड़ी तो ये गुना स्थित मल्हारगढ़ किले की बावड़ी है। और आप देखेंगे माचलपुर बावड़ी तो ये आपको देखने को मिलेगी माचलपुर जिला राजगढ़ की प्रसिद्ध बावड़ी के बारे में कथन है कि यह बावड़ी जीरापुर का खम्मा और उदापुरा स्थित मंदिर की छतरी एक ही रात में एक ही कारीगर ने बनाई थी। पर आप देखेंगे बत्तीसी बावड़ी तो इतिहासकारों के अनुसार जब तक समुद्र में पानी रहेगा तब तक चंदेरी की इस बावड़ी में पानी रहेगा। और बत्तीसी बावड़ी का निर्माण शेर खान ने 1485 में सुल्तान ग्यासुद्दीन शाह खिलजी के शासन काल में करवाया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। और आगे है आपका, आगे क्या है, कुछ तो होगा, मध्य प्रदेश के 12 पवित्र घोषित शहर भी है, इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसमें अमरकंटक आपका शामिल है, मेहर भी, चित्रकूट भी और महेश्वर, पन्ना, उज्जैन, ओरछा, दतिया, मुलताई, सलकनपुर, मंडला, ओंकारेश्वर शामिल है। ठीक है, इन 12 को याद रख सकते हैं। कुछ आपके प्रसिद्ध मकबरे और समाधियाँ भी हैं, इनसे भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपने ये रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ग्वालियर में स्थित फूलबाग में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। एक बार की बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ आप लोगों को कि एक बार मैं देख रहा था कि कोई पेपर SSC का चल रहा था, तो उसमें किसी ने मुझसे पूछा कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है। तो मैंने उससे कहा कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, ग्वालियर में था मैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद भी उसने सही नहीं लगा पाया, आप समझ रहे हैं, इतना डायरेक्शन एक तरह से देने के बाद भी। तो याद रखिए ग्वालियर के फूलबाग में देखने को मिलेगी। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई की अगर जन्म की बात करें तो बनारस में देखने को मिलेगी। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि इनकी समाधि की पूछे या जन्म की पूछे तो लोग झांसी लगा देते हैं। ठीक है, तानसेन के मकबरे की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा भी है और यह मुगलकालीन कला का सुंदर नमूना है। रानी रूपमती की समाधि सारंगपुर जिला साजापुर में है और वेजू बाबरा की समाधि यह चंदेरी अशोकनगर में देखने को मिलेगी। और मोहम्मद गौस का मकबरा, सूफी संत और तानसेन के प्रथम मार्गदर्शक मोहम्मद गौस का मकबरा तानसेन के मकबरे के निकट अवस्थित है, यह ग्वालियर दुर्ग के बाहर देखने को मिलेगा। ठीक है, और महारानी सांखे राज्य की समाधि तो यह समाधि आपको शिवपुरी में सांख्या सागर के निकट स्वर्गीय माधवराव सिंधिया प्रथम ने अपनी माता सांख्या राजे सिंधिया की स्मृति में सुंदर वाक्य मध्य बनवाई थी, तो शिवपुरी में है। ठीक है, रानी दुर्गावती की समाधि की बात करें तो जबलपुर से आपको 17 किलोमीटर दूरस्थ वरेला में देखने को मिलेगी। ठीक है, जो गौड़ वंश की अंतिम शासिका थी और यही उन्होंने मुस्लिम सेना से सत्यत्व की रक्षा यानी कि अपनी उनसे लड़ते हुए अपने हाथों से अपनी हत्या कर ली थी। ठीक है, आत्महत्या जिसे आप लोग कहते हैं। फिर आप देखेंगे होसंग शाह का मकबरा, ये मांडू में देखने को मिलेगा और मालवा शासक होसंग शाह द्वारा निर्मित मकबरा दर्शनीय है, काफ़ी अच्छा है, विश्व के आधुनिक आश्चर्यों में शामिल है, विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ताजमहल जिसे नमूने के आधार पर बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में स्थित होसंग शाह के मकबरे पर आधारित है। होसंग शाह का मकबरा भारत की संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है, ये भी याद रखिए। होसंग शाह के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होकर अध्ययन करने वाले शाहजहां ने 4 वास्तुविदों का एक दल मांडू भेजा और जिसने उस्ताद हामिद भी शामिल थे, जिसने ताजमहल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर आप देखेंगे मत्स्येंद्र पीर की समाधि, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि फकीर संत मत्स्येंद्र की समाधि उज्जैन में देखने को मिलेगी जो सिद्धा का केंद्र बना हुआ है। बाजीराव पेशवा की समाधि की बात करें तो यह रावरखेड़ी खरगोन में देखने को मिलेगी। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा ये भोपाल में देखने को मिलेगा, संगमरमर से बना हुआ है।
अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा, ये धार स्थित सल्तनतकालीन मकबरा है। गिरधारी बाई की समाधि, तो रानी अवंती बाई रामगढ़ की सहायिका थी और मंडला में इनकी समाधि देखने को मिलेगी। झलकारी बाई की समाधि, रानी लक्ष्मी बाई की सहायक थी। याद रखिए गिरधारी बाई जो थी ये रानी अवंती की एक तरह से सहायिका थी, ठीक है, सहायता करने वाली, और झलकारी बाई थी एक ही की रानी लक्ष्मी बाई की सहायिका थी, ठीक है। इन दोनों को याद रखिए आप लोग अच्छे से, तो इनकी ग्वालियर में देखने को मिलेगी, ठीक है। मल्हार राव होलकर की समाधि आलमपुर भिंड में देखने को मिलेगी। महाराजा छत्रसाल की समाधि बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से विख्यात छत्रसाल की समाधि आपको छतरपुर जिले के धुबेला में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सलासा एवं गुफाएं, कुछ इनसे भी आपके क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए गए। आदिम मनुष्य की कर्मभूमि मध्य प्रदेश तथा है मध्य प्रदेश था, और इसके साक्ष्य विभिन्न स्थानों पर अवस्थित गुफाओं और सलासा हैं। भीमबेटका की बात करें हम लोग, तो प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य यहाँ उबदेलागंज रायसेन की विंध्य पर्वतों में स्थित भीमबेटका की सलासा में मिले हैं, और इस गौरवशाली धरोहर की खोज 1957 में पुरातत्व शास्त्री थे जो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी। इस नाम को भी आप लोग याद रखें और इस डेट को भी याद रखिए। भीमबेटका के उत्खनन का कार्य सन 1971 में प्रारंभ हुआ था, और भीमबेटका में 500 के आसपास आपको आसपास गुफाएं देखने को मिलेंगी। इस पर अनेक चित्र भी अंकित किए गए हैं जो उनके लौकिक जीवन की कहानी कहते हैं कि उस समय किस तरह का मनोरंजन होता था, किस तरह की बातें होती, मतलब एक तरह से समाज रहा होगा उसकी ओर एक तरह से ये बताती है, ठीक है। और इसका इनका संबंध पांडवों के आज्ञावास से जुड़ा जाता है। गुफाओं में प्राप्त चित्रों के आधार पर गुफाओं का नामकरण किया गया है, जैसे नगन भट्टारिका। भीमबेटका की कुछ प्रसिद्ध गुफाएं इस प्रकार हैं, इनमें आप लोग देख सकते हैं, इन्हें भी देख लीजिए, आपसे पूछ सकता है कि ये गुफा कहाँ है, ठीक है। तो इसमें आप देख लेंगे कि मैदालिनीय गुफा, इसके चित्र यूरोप के 12,000 से लेकर 8,000 वर्ष पूर्व के शैल चित्रों से समानता रखते हैं। वराहिगिरी शैल गुफा, तो इसका नामकरण विशाल काय वराही के आधार पर किया गया है। बड़ा रंगमहल, तो इसमें पेड़ पर चढ़ता मानव जिसे पीठ पर छुटोकना है जो मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। छोटा रंगमहल, यह युद्ध चित्र का चित्तात्मक स्वरूप है जिसमें घुड़सवार दिखाई दे रहा है। मुर्दा टोंग, तो भीमबेटका का ताम्रपाषाण स्थान जहाँ से सागर विश्वविद्यालय की टीम को ताम्रकालीन मानव के अस्थिपंजर भी प्राप्त हुए हैं। फिर आप देखेंगे उदयगिरी की गुफाएं, तो इसमें आप लोगों को क्या याद रखना होगा कि विदिशा जिले में स्थित उदयगिरी की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी, और प्राचीन नाम है इनका नीचोगिरी, ठीक है। वो गुप्तकालीन ये सभी गुफाएँ 20 गुफाएँ, गुफा क्रमांक 1 से लेकर 20 जैन धर्म से संबंधित है। गुफा क्रमांक 5 में वराह अवतार की विशाल प्रतिमा भी देखने को मिलेगा। गुफा में सप्त मातृका की मूर्ति भी है, ठीक है। फिर आदमगढ़ के सलासे के बारे में बात करें, तो ये आपके होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ की शैलकृत चित्रित गुफाएं हैं। फिर आप देखेंगे भरथरी की गुफाओं की बात करें, तो उज्जैन में कलिया देह महट महल के निकट स्थित भरथी गुफाओं की संख्या 9 है, जिनमें से आप देखेंगे 5 ही सही अवस्था में मौजूद हैं, बाकी एक तरह से नष्ट हो चुकी हैं, खंडित हो चुकी हैं। इनका निर्माण राजा भरथरी के सम्मान में परमार शासकों ने करवाया था, और इनकी विशेषता है कि रंगीन चिंत देखने को मिलेंगे। गढ़ कालिका देवी के मंदिर के निकट की छिप्रा के ऊपरी तट पर गुफा स्थित है, यहाँ नाथ संप्रदाय के साधुओं का स्थान है, और तथा इस गुफा की रचना बौद्धकालीन शिल्प के अनुसार हुई है, और दक्षिण की गुफा के अंदर गोपीचंद की मूर्तियाँ भी की मूर्ति भी है, ठीक है, याद रखिए। फिर आप बाकी गुफाओं के बारे में भी सुनते हैं, बाघ की गुफाएं, बाघ इंदौर झाबुआ मार्ग से अंदर बाघ स्थान तथा बाघ नदी तट के समीप विंध्याचल पहाड़ी पर बाघ की प्रसिद्ध गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। बौद्ध धर्म से संबंधित इन गुफाओं के भीति चित्त अजंता के समकक्ष माने जाते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे 9 टोटल थी, जिनमें से 5 गुफाएं सुरक्षित रह गई हैं, और इनका काल भी गुप्तकालीन अर्थात आपको देखने को मिलेगा 5वीं ईस्वी के शताब्दी के आसपास बनी हुई माना जाता है। अगर इसके खोजकर्ता की बात करें, तो डोंगरफील्ड थे, 1818 के करीब इन्होंने इसकी खोज की थी। बाघ गुफाएं रंगीन भीति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं, और इन पर की गई चित्रकारी फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहलाती है। गुफाओं के भीति चित्रों की 1920 में चित्रकार मुकुल डे और 1921 में हालदर नंदलाल LN भावसार और मिर्जा इस्माइल बेग जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों ने प्रतिलिपि तैयार की थी, और इन गुफाओं को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था, ठीक है। बाकी गुफाओं की बात करें, तो इसमें पहली गुफा आप देखेंगे ग्रह गुफा कहलाती है, दूसरी गुफा पंच पांडू, और तीसरी गुफा हाथी खाना, चौथी गुफा को रंगमहल, और 5वीं गुफा को पाठशाला, ठीक है।
गुफा क्रमांक एक में कोई विशेषता आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्रमांक गुफा क्रमांक दो को पांडव गुफा कहा जाता है। इन गुफाओं में सबसे विशाल और सुरक्षित यही गुफा है। गुफा क्रमांक तीन का निर्माण भी भिक्षुओं के आवास के लिए ही हुआ था और ऐसे गुफा में साज सज्जा अधिक है और इसकी दीवारों पर चित्रकारी भी की जाती है। और गुफाओं से संबंधित आप लोग कहानी भी कई सुनते होंगे और आपके क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं गुफाएं आप लोगों को देखने को मिली होगी कि इसमें गुफा में जाते हैं लोग आते नहीं लौट के, इस तरह की कहानी बड़ी मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई है। अब देखिए उसमें गया हो कोई, मुझे तो नहीं मिला है लेकिन आप लोगों को मिला हो तो बताना। गुफा क्रमांक चार ऊपर की गुफा क्रमांक पाँच से मिली हुई है। इसका आधुनिक नाम रंग महल है, ठीक है। गुफा क्रमांक पाँच का निर्माण धार्मिक प्रवचन और विचार गोष्ठियों के लिए किया गया था क्योंकि इस गुफा में रहने के लिए कोठरियाँ नहीं है। पाँचवें क्रमांक की गुफा से मिली हुई गुफा क्रमांक छः है और इन दोनों को जोड़ने वाली एक चौड़ी मार्ग भी है। इसके आगे ही गुफा क्रमांक सात आठ नौ देखने को मिलेगी जो अब गिर चुकी हैं, एक तरह से नष्ट हो चुकी हैं। फिर आप पंचमढ़ी गुफाएं भी देखेंगे। यहाँ की आप देखें, यहाँ की पांडव गुफाएं, गुफा जैसी पांच गुफाएं अत्यंत आकर्षक भी हैं। फिर आप देखेंगे शंकराचार्य की गुफाएं। ओंकारेश्वर खंडमा में स्थित इन गुफाओं में आदि गुरु शंकराचार्य ने शिव आराधना की थी। शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता भी थे। ये भी आपसे पूछ सकता है कि अद्वैत दर्शन के प्रणेता कौन थे, तो शंकराचार्य। ओंकारेश्वर में श्री गोविंद भगवताचार्य ने उन्हें गुरु दीक्षा दी थी। इसके बाद उन्होंने उनकी गुफा में 7 साल तक साधना की थी। साधना काल में एक बार नर्मदा में भीषण बाढ़ भी आई थी, तब तक शंकराचार्य ने अपने तप के प्रभाव से बाढ़ को अपने कमंडल में थाम लिया था। आप समझ सकते हैं कितने शक्तिशाली रहे हो आप लोग। आदि शंकराचार्य ने नर्मदा अष्टक सहित 50 स्तुतियां और ग्रंथों की रचना भी की है, इससे अधिक, ठीक है। और ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची धातु की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। कहाँ? ओंकारेश्वर में, ठीक है। और इसके लिए 1 मई 2017 और 30 जून 2017 तक विदेश में धातु का संग्रहण किया गया था। फिर आपसे सिलहारा गुफाएं पूछे तो अनूपपुर जिले में देखने को मिलेगी। पहाड़गढ़ गुफा की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में देखने को मिलेगी और इसमें बहने वाली आसन नदी के पास और पहाड़गढ़ से कुछ दूर 86 गुफाएं देखने को मिलेंगी। 86 गुफाओं का श्रृंखला है। इन गुफाओं को भीमबेटका गुफाओं के समकालीन माना जाता है। गुफाओं में आप देखेंगे पुरुष महिला चिड़िया पशु शिकार और नृत्य से संबंधित अनेक चित्र देखने को मिलेंगे आपको। तो समय के लोग चित्रकारी भी थे अच्छे, ठीक है। फिर आप देखेंगे माड़ा की गुफाएं, तो गुफाओं में चट्टानों को काटकर बनाया गया है। सिंगरौली स्थित 7 से 8वीं सदी की बौद्धकालीन गुफाएं। इन गुफाओं पर एक विस्तृत श्रृंखला है। इन्हें विवाह माड़ा, गणेश माड़ा, जल जालिया माड़ा और रावण गुफा आदि स्थानीय नामों से जाना जाता है। तो आपसे या तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये गुफा कहाँ है, किससे संबंधित है, किसने बनवाई थी, किस समय बनवाई गई थी, इन्हीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। विवाह माड़ा गुफा के संबंध में मानता है कि यह यहाँ भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। शंकर माड़ा गणेश माड़ा जुड़वा गुफा है जिसमें आप गणेश माना उत्तरी मुखी और शंकर माना दक्षिणी मुखी है। गुफा के द्वार पर आप देखेंगे गणेश प्रतिमा भी है। शंकर माड़ा गुफा में नटराज अवतार में भगवान शिव की एक मूर्ति भी देखने को मिलेगी। फिर आप देखते हैं विलोवा की गुफाएं। ये आपको ग्वालियर जिले में स्थित विलोवा नगर में देखने को मिलेगी। अपनी पान की खेती के साथ गुफाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये। और विलोवा में सिद्धेश्वर मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें पहाड़ों के दर भदावना तक प्राचीन गुफा प्राचीन काल से मौजूद हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल आप देखेंगे 11वीं और 12वीं शताब्दी के लगभग करवाया गया था। विलोवा की गुफाओं में शैल की सैप प्रतिभाएँ भी देखने को मिलेगी। फिर आप देखेंगे मेघेंद्रनाथ की गुफाओं की बात करें तो 2009 में मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग ने रायसेन जिले की पाटनी गांव के निकट मेघेंद्रनाथ गुफा की खोज की थी। इन गुफाओं की लंबाई 1 किलोमीटर है और गुफाएं भीमबेटका की गुफाओं से साम्यता रखती होंगी और आप रखती हैं। और याद रखिए इसमें क्या रहता है, पानी भी नहीं आता होगा। आप समझ सकते हैं गुफा किस तरह से होती है। कभी यहाँ जाकर देख लिया करिएगा, आपका इतिहास भी कंप्लीट होगा, आर्ट एंड कल्चर भी कंप्लीट होगा और आप लोग घूम भी आएंगे, ठीक है। अन्य शैलाशय की बात करें तो सागर, रीवा, मंदसौर, जबलपुर, श्योपुर, ग्वालियर, धार निवाड़ और छिदवाड़ा, दमोह, नरसिंहपुर जिलों में अनेक शैलाशय देखने को मिलेंगे। इन गुफा चित्रों में पशु का शिकार, मार्गों के योद्ध, पशु सवारी, नृत्य, पूजन आदि चित्र बने हुए हैं। इनमें सफ़ेद, काले, लाल, नीले, पीले रंग का प्रयोग भी किया गया है, ठीक है, याद रखिए। फिर आप देखेंगे ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल, तो
इंद्रगढ़ राजपूतकालीन अवशेषों की जानकारी देता है और मंदसौर जिले के इंद्रगढ़ से नन्नप राष्ट्रकूट राजा का एक शिलालेख मिला हुआ है। नन्नप ने शिव मंदिर का निर्माण यहाँ कराया था और 1958 से 1959 में इंद्रगढ़ में उत्खनन से देवालय अवशेष और त्रिकोण तथा अन्य आकृतियाँ प्रतिमाओं में नंदी, भैरव और पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी और वराह की मिली हुई हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे कसरावद, तो ये खरगोन जिले में नर्मदा तट पर स्थित कसरावद का उत्खनन 1936 से लेकर 1939 के मध्य हुआ था और यहाँ से निम्नलिखित सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं, कौन कौन सी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बौद्ध स्तूप और निवास गृह देखने को मिलेगा, मृदभांड और मिट्टी की बनी वस्तुएं भी देखने को मिलेगी, धातु की बनी वस्तुएं और आहट सिक्के भी देखने को मिलेंगे और मध्य प्रदेश की पत्थर की बनी वस्तुएं भी और शिलालेख भी यहाँ 8 पंक्तियों का गोलाकार शिलालेख 2री शताब्दी से ईसा पूर्व की लिपि का यहाँ प्राप्त हुई है एक तरह से। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए, ये अब बोलना क्या क्या याद रखूँ। अन्य पुरातत्व स्थलों की बात करें तो ये स्थल हो गए, जिला हो गए और सामग्री यहाँ से क्या मिली हुई। त्योथर ये रीवा में देखने को मिलेगा, बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं। जटकरा ये छतरपुर में मंदिर के प्रमाण मिले हैं। खेड़ीनामा होशंगाबाद में ताम्र सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। डांगवाला उज्जैन में 1800 ईसा पूर्व के मृदभांड मिले हैं। और कलस्या ये उज्जैन में प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। ठीक है, कुछ आपके जलप्रपात भी हैं और इनसे भी आपके क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए गए हैं। ठीक है, प्रमुख जलप्रपात को भी आप लोग देख लीजिए। चचाई जलप्रपात, ये आप देखेंगे रीवा से 46 किलोमीटर दूर विहर नदी पर चचाई जलप्रपात बना हुआ है और जो अत्यंत मनोहारी है। चचाई जलप्रपात की ऊंचाई आप देखेंगे 430 फीट है, 130 मीटर यानी कि। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी पर है। कौन कह रहा है नर्मदा नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और याद रखिए ये काफ़ी ऊंचाई पर है, मध्य प्रदेश में काफ़ी चर्चित भी रहता है। मध्य प्रदेश में ये कहिए कि सबसे ऊंचा है और भीयर नदी पर स्थित है, ये कई बार पूछ लिया है क्वेश्चंस। और आप देखेंगे केवटी और बहुरी जलप्रपात, ये महाना नदी पर है। ठीक है, और दोनों प्रपात निर्मित हैं। रीवा जिले में केवटी एक प्रसिद्ध जलप्रपात है जो टोंस को सहायक नदी महाना द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि केवटी गुफा अभिलेख के लिए भी जाना जाता है। गुफा अभिलेख ब्रह्मी लिपि और पाली भाषा में उत्कीर्ण है। केवटी में 13वीं शताब्दी का प्राचीन किला भी है। यहाँ भव्य प्रवेश द्वार और प्राचीन शिलालेख, स्नानागार, गुफाएं, सैनिकों की बैरकें और राज दरबार स्थल एवं 0.5 किलोमीटर में से भी ज़्यादा लंबी प्रसिद्ध दीवार भी है। केवटी में प्राचीन भैरव बाबा एवं भगवान चतुर्भुज मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। धुआंधार, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, तो भृगु ऋषि की कर्मस्थली के कारण भेड़ाघाट नाम पड़ा इसका। और जबलपुर में भेड़ाघाट पर नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों से गुजरते हुए 15 मीटर यानी कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है। यह प्रपात दूध जैसी अति सुंदर धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, धुआंधार इसे कहते हैं। कपिल धारा और दुग्ध धारा, तो ये अमरकंटक से निकलने के बाद मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी पर 15 मीटर ऊंचे कपिलधारा प्रपात को बनाती है और 80 मीटर और आगे पुनः एक छोटा दुग्धधारा प्रपात बनाती है। नर्मदा नदी पर हाइडिया से वड़वाहे के मध्य 2 प्रपात मंदधारा, नर्मदा तथा ताबा नदी के संगम पर और दर्दी बनाती है। ठीक है, यह महेश्वर के समीप सहस्रधारा 8 मीटर जलप्रपात बनाती है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। फिर याद रखिए चुलिया जलप्रपात, चुलिया भी कहते हैं। चंबल नदी पर भैसरोगढ़ मंदसौर में 18 मीटर ऊंचा चुलिया जलप्रपात बनाती है चंबल नदी। ठीक है, चंबल के डाकू। ठीक है, इसी से आप लोग याद रखिए। लोग कहते हैं कि कोई ट्रिक बताइए याद रखने के लिए, मैं कहता हूं कि आप लोग खुद बनाते रहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में मेले और उर्स की बात करें तो लगभग आप देखेंगे 1200 से अधिक मेलों का आयोजन प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में होता है और सर्वाधिक आप देखेंगे 227 मेलों का आयोजन उज्जैन संभाग में होता है, जबकि सबसे कम 13 मेलों का आयोजन होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा उज्जैन, सबसे ज़्यादा होशंगाबाद। चैत से वैसाख के मध्य आप देखेंगे सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है, तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सिंहस्थ कुंभ मेला है। छिपरा नदी के तट पर आप देखेंगे प्रति 12 वर्ष बाद विशाल कुंभ यानी कि सिंहस्थ का आयोजन होता है, जब सूर्य सिंह राशि में आता है, 1 माह तक चलता है। वर्ष 2016 में यह आयोजित हुआ है और अगला सिंहस्थ होगा 2028 में। ठीक है, 12 साल बाद होता है। ठीक है, संख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे हीरामन बाबा का मेला,
तो यह है मेरा ग्वालियर और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। यहाँ की मान्यता है कि हीरामन बाबा की आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर होता है। मेला अगस्त और सितंबर में आयोजित किया जाता है। फिर आप देखेंगे हीरा भूमिया का मेला, मध्य प्रदेश के ग्वालियर गोरा और आसपास के गाँव में हीरा भूमिया संत की स्मृति में भाद्र माह में मेले के लगभग आप देखेंगे 1000 वर्ष से लगातार मतलब चले आ रहे हैं इस तरह के, ठीक है, यानी कि बहुत पुरानी परंपरा है ये, ठीक है। फिर एक आप सुनते हैं उल्दन का मेला, तो ये सागर जिले के ग्राम उल्दन के निकट धरसान और आंडे नदियों के संगम पर से पार्वती के मंदिर पर मकर संक्रांति पर भव्य मेला लगता है। फिर आप देखेंगे बनेनी घाट मेला, सागर जिले की राहतगढ़ में बीना नदी के तट पर भगवान शंकर जी के प्राचीन मंदिर के नज़दीक बनेनी घाट पर शिवरात्रि कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है। और भापेल का मेला, तो सागर जिले के भापेल में महादेव मंदिर पर दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है। देवरी का मेला की बात करें तो यह मेला सागर जिले के देवरी में अगहन के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को खंडेराव में मंदिर लगता है में मेला लगता है। फिर आप देखेंगे मऊ सहानिया का मेला, मकर संक्रांति पर छतरपुर के निकट मऊ सहानिया ग्राम के आसपास जगत सागर तालाब पर प्रमुख मेला आयोजित होता है। फिर आप देखते हैं चरण पादुका का मेला, ये छतरपुर जिले में लगता है और मकर संक्रांति के अवसर पर मेले का आयोजन होता है, ठीक है। मकर संक्रांति के इस मेले को लोग शहीद मेला भी कहते हैं और 14 जनवरी 1933 को यहाँ मकर संक्रांति के रोज पर जब उर्मिल नदी के तट पर मेला भरा था, स्वतंत्रता सेनानियों का एक सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसा थी, कई लोग शहीद भी हुए थे। और आपने देखा होगा छतरपुर के इसी को आप लोग चरण पादुका जो हुआ था कांड, इसी को आप लोग जलियांवाला कांड भी मध्य प्रदेश का कह देते हैं। जटाशंकर महादेव मेला, तो मकर संक्रांति पर दमोह के जटाशंकर महादेव के मंदिर पर 3 दिनों तक मेला लगता है और बागली देवास में भी काली सिंध के उद्गम स्थित जटाशंकर में सावन में मेला लगता है। तो ये कुछ मेले हैं आपके, और भी आपके कुछ हैं, इन्हें भी आप लोग याद रखिए क्योंकि बहुत है मेले, यानी कि आप लोग मेला बहुत लगवाते हैं। पीर बुधान का मेला, इस आप देखेंगे सावरा यानी कि शिवपुरी में भाद्र माह में एक दिवसीय मेला पीर बुधान नामक मुस्लिम संत की मजार पर लगता है। तेजाजी का मेला, ये भावावद गुना जिले में लगता है, भाद्र माह में तेजाजी की जन्मस्थली पर भव्य मेला लगता आयोजित होता है। महामृत्युंजय का मेला, यह रीवा जिले में बसंत पंचमी पर और शिवरात्रि पर लगता है। रामलीला मेला आप देखेंगे भांडेर दतिया जिला में पितिवस माह में लगता है और इसे स्वामी पीताम्बर दास और एक मुस्लिम कलेक्टर इनायतुल्ला ने शुरू करवाया था। चंडी या फिर चांदी देवी का मेला, ये घोघरा गांव जिला सीधी में चंडी देवी सरस्वती देवी के अवतार का पुराना मंदिर है, यहाँ लगता है और बीरबल यहीं का निवासी था और उसको देवी ने आशीर्वाद दिया था कि यहाँ मार्च अप्रैल में पितिवस मेला लगता है, ठीक है। फिर आप सुनते हैं कालूजी महाराज का मेला, ये पपल्या खुर्द खरगोन जिले में संत सिंगाजी के भतीजे कालूजी महाराज की स्मृति में लगता है। सिंगाजी का मेला, सिंगाजी गांव खंडवा में एवं पिपल्या गांव खरगोन जिला में कंवार माह में संत सिंगाजी की स्मृति में साप्ताहिक मेला दिवस लगता है। मानधाता का मेला, मानधाता खंडवा नामक पवित्र स्थान पर प्रतिवर्ष कार्तिक माह में 7 दिवसीय यह मेला लगता है। कुंडेश्वर का मेला, ये कुंडेश्वर से मंदिर आप टीकमगढ़ में देखते हैं, महाशिवरात्रि हो, मंगल मकर संक्रांति हो या बसंत पंचमी हो, ढोल ग्यारस हो, इन पर यहाँ मेला लगता है। फिर आप देखेंगे बरमान का मेला, बरमान घाट गाडरवाला जिला नरसिंहपुर में मकर संक्रांति पर 13 दिनों का मेला लगता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे मेहरवाला वाली माता का मेला, तो इसमें आप देखेंगे सतना जिले के मेहर में माँ शारदा की चमत्कारी प्रतिमा है और यहाँ आप देखेंगे प्रतिवर्ष नव रात्रि में मेला लगता है। सिद्ध बाबा का मेला बात करें तो विजयपुर के में प्रतिवर्ष लगने वाली इस मेले में पशुओं का भी मेला होता है। फिर आप देखेंगे सोनागिरी का मेला, तो दतिया जिले की सोनागिरी में चैत्र माह में विशाल रथ यात्रा भी निकलती है और मेला भी लगता है। रामजी बाबा का मेला, ये होशंगाबाद में प्रतिवर्ष लगता है। सनकुआ का मेला, ये दतिया में सिंध नदी तट पर सनकुआ नामक पवित्र स्थान पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा की को मेला लगता है। जोगेश्वरी का देवी का मेला, मध्य प्रदेश के चंदेरी अशोकनगर में प्रतिवर्ष चैत माह में लगता है। और गरीबनाथ, अब देखिए गरीबनाथ बाबा हो गए, आपने भी देखा होगा, कल आपने जज बाबा के बारे में सुना होगा, वकील बाबा, तो गरीबनाथ बाबा के मेला पूरे चैत माह तक चलने वाला मेला है जो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ौदिया गांव में लगता है और बाबा गरीबनाथ संप्रदाय के अनुयायी थे और इसी गांव में रहते थे।
कान्हा बाबा का मेला। हरदा जिले के सौदालपुर में प्रतिवर्ष कान्हा बाबा का मेला लगता है जो 278 वर्ष पुराना है। कान्हा बाबा नामक संत यहाँ रहते थे जिन्होंने 1714 में जीवित समाधि ग्रहण की थी, ठीक है, यानी कि जीते हुए समाधि ले ली थी। अभी भी आप लोग सुनते रहते हैं। नागाजी का मेला, तो ये मुगल शासक अकबर के काल में मुरैना जिले में के पोरसा गांव में नागाजी संत थे, उनकी स्मृति में ही अगहन मास में नवंबर दिसंबर के करीब ये मेला आयोजित होता है जो एक माह तक चलता है। और पहले इस मेले में बंदर बेचे जाते थे और अब अन्य पालतू जानवरों की भी बिक्री होती है। अगर आपको खरीदना हो तो चले जाना। मटघोगरा भोरोथान का मेला, सिवनी जिले में शिवरात्रि के अवसर पर 15 दिनों का मेला लगता है। यह यहाँ प्राकृतिक गुफा और झील भी है और यहाँ भगवान शंकर प्रकट हुए थे। बाबा साहबुद्दीन ओलिया का उर्स, नीमच जिले में फरवरी माह में बाबा साहबुद्दीन के दरबार में 4 दिवसीय उर्स लगता है। धमोनी उर्स, तो ये मध्य प्रदेश में मस्तान साहेब बाली की दरगाह पर होने वाला यह 6 दिवसीय उर्स सागर जिले की धमोनी नामक ऐतिहासिक महत्व के स्थान पर अप्रैल मई में माह में लगता है, ठीक है। अन्य मेले भी आप लोग देख लीजिए। इन्हें भी सिवनी में आप देखेंगे माघ घोघरा का मेला, हीरापुर का ध्रुव देही मेला, छतरपुर में जल विहार का मेला, नरसिंहपुर में बरमाना का मेला, भिंड की लाहौर तहसील में रावतपुरा सरकार का मेला, ब्यावरा का चैती मेला, पन्ना का बलदावजी मेला, नयागांव का रामनवमी मेला, रतलाम का त्रिवेणी मेला, ग्वालियर का व्यापारिक मेला, ये ग्वालियर का काफ़ी चर्चित रहता है, भोपाल का इज्जतिमा मेला, टीकमगढ़ में केदासुर मेला, चंदेरी का मेला, देवरी सागर का खंडवा मेला काफ़ी ये प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर आप देखेंगे महत्वपूर्ण स्मारक भी हैं। भीमा नायक स्मारक धुआ आवा बावड़ी बड़वानी में, टांडिया भील स्मारक बड़ौदा हीर खंडवा में, तत्या टोप स्मारक ये आपको देखने को मिलेगा शिवपुरी, देवी अहल्याबाई स्मारक इंदौर, सौर स्मारक भोपाल, शहीद पार्क राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मस्थली मुरैना में। तो इनसे भी आपका प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश को बेस्ट पार्टनर स्टेट का अवार्ड भी दिया गया था। प्रदेश में पर्यटक संख्या आप देखेंगे 2017-18 में मार्च जनवरी 2017 से मार्च सितंबर 2017 तक ये 5,89,42,920 भारतीय, और आप देखेंगे 2,57,506 विदेशी आए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर आप देखेंगे ये 5,92,425 पर्यटक मध्य प्रदेश में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर भ्रमण करने हेतु आए, यानी कि घूमने के लिए आए, समझ रहे हैं। और ये लोग आए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ साथ में पैसा भी लाए होंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है इससे। विदिशा स्थित खंड 8 खंबा अर्थात 8 स्तंभों का समूह और 4 खंबा यानी कि 4 स्तंभों का समूह है। ग्यारसपुर विदिशा में 8 के 8 खंबे और 4 खंबे 9वीं और 10वीं सदी के 2 मंदिरों के अवशेष हैं, ठीक है। ये भी आप लोग देख लीजिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले पीछे भी आप लोग देख चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। बाबा गरीबनाथ का मेला, ये पूरे चैत माह तक अप्रैल मार्च में लगता है। और याद रखिए अवंतीपुर बड़ौदिया शाजापुर में लगता है। नागाजी ये पूरे आगहन माह यानी कि नवंबर दिसंबर में पोरसा गांव मुरैना में। बरमान ये पोष माह में मकर संक्रांति से 13 दिनों तक जनवरी में लगता है। और गढ़रवारा तहसील नरसिंहपुर में। कुंडेश्वर प्रतिवर्ष शिवरात्रि और मकर संक्रांति वसंत पंचमी पर शिव मंदिर टीकमगढ़। तेजाजी भादव माह में अगस्त दिसंबर में भामावाद गांव गुना में। सिंगाजी कुंवार माह में 1 सप्ताह अगस्त सितंबर में सिंगाजी गांव खंडवा में। सिंगाजी का एक मेला उनके शिष्य की स्मृति में पिपल्या गांव खरगोन में भी लगता है, याद रखिए, ठीक है। जागेश्वरी मंदिर की बात मेला की बात करें तो यह चैत माह में लगता है चंदेरी अशोकनगर में। सिंहस्थ मेला की बात करें तो ये 12 सालों में लगता है उज्जैन में। हीरा भूमिया की बात करें तो भाद माह में अलग अलग स्थितियों में और तिथियों में वो ग्वालियर गुना में लगता है। कान्हा बाबा शिवरात्रि व गुरु पूर्णिमा को लगता है सोडलपुर जिला हरदा में। बड़ौनी शिवरात्रि व गुरु पूर्णिमा को लगता है
बड़ौनी में, दतिया में। महामृत्युंजय बसंत पंचमी और शिवरात्रि को लगता है रीवा में। सनकुआ कार्तिक पूर्णिमा से 15 दिनों तक चलता है होशंगाबाद में। रामजी बाबा कार्तिक माह का 7 दिवसीय मेला है मंधाता खंडवा में। कालूजी महाराज ये पिपल्या खरगोन में। अमरकंटक शिवरात्रि पर लगता है अमरकंटक में। जल विहार ये अक्टूबर माह 10 दिवसीय मेला है छतरपुर में। और सोनागिर ये चैत में 1 से 5 तक लगता है और सोनागिर दतिया में। शारदा माँ ये आप जानते हैं मेहर सतना में लगता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे माँ घोगरा या मठ घोगरा, तो ये शिवरात्रि पर 15 दिनों तक लगता है भैरवनाथ सिवनी जिला में। रामलीला माघ माह में जनवरी फरवरी में भांडेर दतिया में, काफ़ी चर्चित है ये भी। रावतपुरा ये भी आप देखेंगे लाहर भिंड में। रतनगढ़ दीपावली के दोज के दिन रतनगढ़ में दतिया में। चौंदी देवी ये आप देखेंगे प्रत्येक रविवार को घोगरा गाँव दतिया में। डनान भगवान प्रत्येक रविवार को उन्नाव दतिया में। पीर बुधान भाद माह में 1 दिवसीय अगस्त सितंबर में गांव संबेरा शिवपुरी में। धमोनी उर्स अप्रैल मई में 15 दिनों तक लगता है धमोनी सागर में। बाबा मस्तान साय वाली दरगाह का मेला है, ठीक है। बाबा साहबुद्दीन ओलिया का उर्स फरवरी में लगता है नीमच में। वेडनी का मेला रायनित हनुमान जयंती पर लगता है करीला बुंदेलखंड में। पूनम का मेला एक कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगता है जानापाव कुटी महू इंदौर में, ठीक है, इसे भी याद रखिए। फिर आप देखिए सवरी कुंभ ए प्रतिवर्ष नर्मदा तट पर लगता है अमरकंटक एवं अनूपपुर जिला अनूपपुर में, ठीक है। उन्नान का मेला ये बालाजी मंदिर दतिया में लगता है, ठीक है। इन्हें भी आप लोग देख लीजिए, वैसे तो आप लोग पीछे देख चुके हैं फिर भी आप लोग देख लीजिए। मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं, जैसे गुफा हो गई स्थान हो गया, इनका विशेष महत्व क्या है, इनके बारे में पॉइंट क्या रखना है याद। जैसे आप भीमबेटका की गुफा ये रायसेन में देखने को मिलेगी। प्रागैतिहासिक कालीन गुफा और बिहार और सैलासा ही विश्व धरोहर में सम्मिलित है, ठीक है। पार्वती की गुफाओं की बात करें ये भी रायसेन में हिंदू जैन धर्म से संबंधित है। मैगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन में देखने को मिलेगी। दुर्लभ रॉक पेंटिंग और 2009 में पता चली थी। भरथरी की गुफाएं उज्जैन में, कुल 9 गुफाएं हैं, 5 ही अस्तित्व में बची हुई हैं। मत्स्येंद्र की गुफाएं उज्जैन में, नाथ समुदाय का आस्था केंद्र भी है। कालियादेव की गुफाएं उज्जैन में छिपरा तट पर स्थित हैं। उदयगिरी की गुफाएं आप विदिशा में, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं एवं प्रतिमाएं हैं, 4वीं और 5वीं शताब्दी के करीब बनी थी। और खंडगिरी की गुफाएं विदिशा में बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। बाकी गुफाएं धार में आपको देखने को मिलेगी, 5वीं से 7वीं शताब्दी के बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और लोहानी गुफा ये धार में मुगलकालीन गुफाएं हैं। 7 कोठरी की गुफाएं धार में ये धार्मिक गुफाएं हैं। आदमगढ़ की गुफा ये होशंगाबाद में देखने को मिलेगी। प्रागैतिहासिक शैलचित्र हथियार बनाने के साक्ष्य 2014 में मिले यहाँ, ठीक है। पांडव की गुफा पंचमढ़ी महाभारत काल से संबंधित हैं। बिलोवी की गुफाएं ग्वालियर, बिलोवा भी कहते हैं इसे, 12वीं शताब्दी के आसपास की गुफाएं हैं, यानी कि बनवाई गई हैं 12वीं शताब्दी, समझ रहे हैं। मारा की गुफाएं ये आपको देखने को मिलेगी सिगरौली, 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच की बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। शंकराचार्य की गुफाएं ओंकारेश्वर ये आप देखेंगे शंकराचार्य की तपोभूमि है। कवरा की गुफाएं राजगढ़ में, 5वीं शताब्दी की कुल 11 गुफाएं यहाँ देखने को मिलेगी। लिखी राज गुफा मुरैना में, आसन नदी के तट पर 88 गुफाएं के करीब देखने को मिलेगी। लिखी छाज गुफा करसा मुरैना में प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। सिद्धराज गुफा टीकमगढ़ धार्मिक महत्व की प्राकृतिक गुफा है। चंद्रशेखर आजाद गुफा ये भी टीकमगढ़ सतार नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक गुफा है। सारोमारो की गुफाएं सेहोर में, मौर्यकालीन गुफाएं हैं। काजल रानी की गुफाएं खंडवा में धार्मिक महत्व की प्राकृतिक गुफाएं हैं। सत्य मत्तिका गुफा खंडवा में धार्मिक महत्व की प्राकृतिक गुफाएं हैं। श्री गोविंद भगवत पाद गुफाएं खंडवा में धार्मिक महत्व की प्राकृतिक गुफा है। लिखी दांत गुफा ये चंदेरी में प्रागैतिहासिक शैलचित्र है। लखवारिया गुफा ये शहडोल में 16वीं से 17वीं शताब्दी से संबंधित है। भुईमाड़ की गुफाएं सीधी में प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। धर्म राजेश्वर की गुफाएं मंदसौर बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। धमनार की गुफाएं ये मंदसौर में आपको देखने को मिलेगी। और ये 8वीं धमनार की गुफाएं मंदसौर 8वीं और 9वीं सदी में निर्मित बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। झिंझरी की गुफाएं ये कटनी में प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। रॉक सेल्टर की गुफाएं सागर, इन गुफाओं में प्रसिद्ध रॉक पेंटिंग निर्मित की गई है।
आपचंद की गुफाएं सागर में देखने को मिलेगी, गदेरी नदी के तट पर स्थित प्रागैतिहासिक गुफाएं, नवेरी की गुफाएं भोपाल में प्रागैतिहासिक धार्मिक गुफाएं, मोपाली छोटा महादेव गुफाएं बैतूल में धार्मिक गुफाएं, अंबाबाई की गुफा बैतूल में धार्मिक गुफाएं, गुड़ी की गुफा सिवनी प्राकृतिक गुफाएं, पहाड़गढ़ की गुफाएं छिंदवाड़ा धार्मिक महत्व की गुफाएं, गुप्तेश्वर की गुफा छिंदवाड़ा प्राकृतिक गुफाएं, जगदीश्वर पहाड़ी की गुफाएं सतना में प्राकृतिक गुफाएं, आला उदल की गुफाएं मेहर सतना में, 11वीं और 12वीं शताब्दी की ऐतिहासिक गुफाएं, जामवंत एवं घोड़ा मोड़ा गुफा एडिनोरी में प्रागैतिहासिक गुफाएं। इन सभी को आप लोग याद रखिए, ठीक है, समझ रहे हैं। मध्य प्रदेश के दुर्ग और महल वैसे तो देख चुके हैं, फिर भी आप लोग देख लीजिए, शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा आपका। चंदेरी का किला ए अशोक में, अशोकनगर में राजमहल अशोकनगर, अजयगढ़ दुर्ग ए पन्ना में गुमनाम सिंह ने बनवाया था, रायसेन दुर्ग ए रायसेन में, गिन्नौरगढ़ दुर्ग रायसेन, सबलगढ़ का किला मुरैना, विजयपुर का किला शिवपुर, हुसैनपुरा महल ए मुरैना, गोहद का किला भिंड में जाट राजाओं ने बनवाया था, नया महल गोहद भिंड में, भिंड का किला भिंड में, मोती महल ग्वालियर, जहांगीर महल ग्वालियर, शाहजहां महल ग्वालियर, और करण महल ये कहाँ है, ग्वालियर, विक्रम महल ये भी आपको ग्वालियर, करेरा का किला शिवपुरी, हवा महल शिवपुरी, पिछोरा का किला शिवपुरी, कछुआ गढ़ी शिवपुरी, सनोधा किला सागर, रेहली का किला सागर, मालथौन किला सागर, गड़ाकोटा किला सागर, राहतगढ़ का किला सागर, खिमलासा किला सागर, गोरछामर किला सागर, देवरी किला सागर ये भी, सिंगौरगढ़ किला दमोह में, मुड़ियादो किला ये दमोह में, जटाशंकर किला ये भी आपको दमोह में देखने को मिलेगा, कहाँ दमोह में, ठीक है, और दमोह की गढ़ी ये दमोह में, और हिंदूपद महल पन्ना, धुबेला महल छतरपुर, देवरा का महल किला ये भी छतरपुर, गुलगंज का कंज का किला छतरपुर, किशनगढ़ किला छतरपुर, ओरछा दुर्ग निवाड़ी, राजा महल ओरछा ये भी निवाड़ी, राजा रुद्र प्रताप ने बनवाया था ओरछा दुर्ग, ठीक है, शीश महल ये भी ओरछा, तालकोठी महल ओरछा में, जहांगीर महल ये भी निवाड़ी ओरछा में, ठीक है, ये सभी ओरछा में है, आप समझ रहे हैं। और ये आपका है हिम्मा हमीर की कोठी ओरछा में निवाड़ी में जिले में, वारेलाल की कोठी ओरछा निवाड़ी जिले में, त्रिवेणी राय महल ओरछा निवाड़ी जिले में, पालकी महल ओरछा निवाड़ी में, राम रायमन दाऊ की कोठी ओरछा निवाड़ी में, सुंदर साय का महल ये आपका ओरछा निवाड़ी में, नौने जू की हवेली ओरछा निवाड़ी में, फसियानी की हवेली ओरछा निवाड़ी में, जुझार सिंह का महल ओरछा निवाड़ी में, तोपची की हवेली ओरछा निवाड़ी में, हाथी राव का महल ओरछा निवाड़ी में, एक नया जिला बना है तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए ज्यादा दिए गए हैं, सुपारी साव का महल ओरछा निवाड़ी, भगवंत राव की हवेली ओरछा निवाड़ी, पंडित हरिराम व्यास हवेली ओरछा निवाड़ी, बल्दोगढ़ का किला ओरछा, बल्दोगढ़ किला याद रखिए, माफ करिए, बल्दोगढ़ का किला है आपका टीकमगढ़ में, ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी मंदसौर, हिंगलाजगढ़ दुर्ग ये मंदसौर में, वो एक तरह से सौर में चले आ रहे थे, उन्होंने लिख दिया ओरछा निवाड़ी, चंदावत की गढ़ी मंदसौर, मंदसौर का किला मंदसौर, क्राउन महल रतलाम, सैलाना महल रतलाम, ताराबाई महल साजापुर, साजापुर किला साजापुर, जीरन की गढ़ी नीमच, सिंगरौली का किला नीमच, रतनगढ़ का किला नीमच, शीश महल नीमच, आदमगढ़ किला नीमच, महितपुर का किला उज्जैन, मंडला दुर्ग ये कहाँ मंडला में, जहाज महल मांडू धार ग्यासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था, वीर सिंह महल दतिया में ये राजा वीर सिंह के द्वारा, गुहर महल भोपाल में कुंदसिया बेगम ने, अटेर का किला चंबल में भिंड में राजा बदन सिंह ने बनवाया था। कुछ आपके प्रमुख तथ्य यहाँ भी हैं, इन्हें भी देख लीजिए, उसके बाद रामनाम सत करते हैं इसका। नया गांव हवेली शिवपुर बड़ौदा रोड पर शिवपुर से 20 किलोमीटर पर दूरी पर है, यह मनोहर दास और अनिरुद्ध सिंह के छत महत्वपूर्ण है, और 18वीं शताब्दी में बनी इस हवेली के कमरे में जरोखा है, इसका निर्माण गौर राजपूत द्वारा करवाया गया था। तो इसके साथ आपका इतिहास, मध्य प्रदेश के इतिहास संस्कृत साहित्य में एक टॉपिक पर आपका कवर हो जाता है, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन, एक बचता है आपका मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में, और भी व्यक्ति देख लेंगे इसमें, जनजातियां भी देखेंगे और भी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के जो भी व्यक्तित्व रहे हैं महत्वपूर्ण उन पर भी बात कर लेंगे, क्योंकि उनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हम लोग जनजाति भी देख लेंगे और भी जो जो हैं, ठीक है, तो मिलते हम लोग आगे।